गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को सुबह की बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव और आप लोगों का शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र। बच्चों, आज हम लोग एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत पर चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक बेटा आज का है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी एनिमल से और बायोडाइवर्सिटी से बहुत ही उसका लगाव है। लगाव इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे उसमें समस्याएं आती जा रही हैं, कम होती जा रही है, तो उसके संरक्षण के लिए और उसके बचाव के लिए जो दुनिया भर में जो अभियान चल रहे हैं, जो उसके प्रयास चल रहे हैं, उनको लेकर के यूपीएससी हमेशा अवेयर रहता है और यहां से प्रश्न निकाल करके वो आपसे पूछता रहता है। वो चाहे करंट से हो या वो पारंपरिक टॉपिक से हो, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी हाल ही में किस जंतु की प्रजाति की खोज की गई है। अभी पिछले हफ्ते में चर्चा में था, उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। अगर कोई मानव का कोई स्कल या कोई ऐसा उसका अवशेष खोजा गया है जो 2018 में प्रश्न पूछ लिया गया था, या कोई विलुप्त प्राय प्राणी है उसके बारे में पूछ लेगा, या परंपरागत रूप में जैसे सामाजिक कीट कौन सा होता है, कॉलोनी में कौन सा रहता है और साथ में किस कीट के जो इनमें से कौन सा कीट नहीं है, मकड़ी में कितने पैर होते हैं, कौन से एनिमल में 3 हृदय होते हैं, किस एनिमल का खून नीला होता है, इस तरह के कौन सा जो है वो वीनस फ्लावर बॉस्केट किसको कहते हैं, बाथ स्पंज क्या होता है, मूंगा जो कोरल होता है, मूंगा पर्ल वो कहाँ से निकलता है, उसका कौन सा एनिमल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को इसको उनको लगता है कि इसके पढ़ने के लिए कहीं से हमको अलग से किताब मिलेगी या कोई अलग से मिलेगा तो हमको समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मेरे वीडियो को आप पूरा देखेंगे 2 दिन, आज और कल, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको कोई भी दिक्कत वहां से नहीं होने वाली है। एक एक चीज को गहराई से आप समझिएगा। तो सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग एक बार मैं, अंजना गौतम जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गौरी जी गुड मॉर्निंग, ड्रीम आईएएस ऑफिसर गुड मॉर्निंग, और सभी को बहुत बहुत स्वागत है। निधि कुमारी जी गुड मॉर्निंग, आशीष कुमार जी गुड मॉर्निंग, गो फास्ट क्रैक एग्जाम बहुत बहुत स्वागत है, कल भी आप थे। पायल जी कल आप शायद नहीं थी। राहुल आर्या जी गुड मॉर्निंग, ज्योति कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, निधि जी गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत, मोहिनी पाठक जी गुड मॉर्निंग, रोशन कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो बेटा एक बार 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जो बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, अन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा ये आइकोनिक सब्सक्रिप्शन उनके लिए वो अच्छा बन करके आया है। एक बार आप लोग इस आइकोनिक सब्सक्रिप्शन को जरूर लें अगर आप तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मेंटर मिलेगा और वो मेंटर आपको कोच की तरह काम करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और आपकी जो तैयारी होगी, जो नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा, पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मोटिवेशनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा और स्टडी बूस्टर यानी कि सारी चीज आपकी जाएंगी यहाँ पर। जितनी भी आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की, एसे राइटिंग की, आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग की, सब कुछ आपको यहाँ पे कराया जाएगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, मेंस में कैसे चीजों को लिखना है, ये सब आपको इस कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइकॉनिक में बेटा जो एक्स्ट्रा है प्लस से, वो पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक है, ये आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी फीस बेटा जो 2 साल की है, जो लोग 22-23 तैयारी करना चाहते हैं, 99,000 है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, ये बेटा ध्यान रखिएगा, SS01 कोड अगर यूज करोगे आप तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 89,000 रुपीज आपको पे करना होगा। और ये भी आप इंस्टॉलमेंट में इजी MI में कर सकते हो, बिना इसमें बिना इंटरेस्ट के। तो ये आपका SS0 कोड बेटा याद रखिएगा और इससे आप क्लास को अपने 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 को सिक्योर कीजिए और साथ में इसको बेटा लाइक जरूर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए बेटा। और ये बेटा 1 साल का है, 64,000 का। ये बेटा क्या है, ये भी अगर 1 साल का आप लेते हैं तो ये 64,000 का है। ये SS01 कोड से आपको 57,600 रुपये का पड़ेगा। तो आप लोग बिना देर किए इसको आप लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए।
और बेटा मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बच्चों को जोड़ते रहिए। ये बेटा मेरा रेफरल कोड है SS01, इसको आप लोग याद रखिए। जब भी आप कोई कोर्स लें, आपका मित्र कोई कोर्स ले, या आपका कोई घर वाला कोई कोई कलीग आपका कोर्स ले, तो इस कोड को आपको जोड़ना है। पूर्वी जी पूछे ओके EMI कैसे देनी। बेटा मेरा नंबर है, इस पे आप मेरी बात कर लीजिएगा, आपको फ्री EMI मतलब बिना इंटरेस्ट के आपको EMI हो जाएगा, और फी बहुत ही लंबे समय के लिए, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको ज्वाइन करके पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। और ये बेटा मेरा टेलीग्राम लिंक है फास्ट नॉलेज करके, फास्ट नॉलेज करके इससे आप लोग जुड़ जाइए, तो जो आपको जानकारी है वो आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मैं जल्द ही फास्ट नॉलेज इस पर आपका टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, और आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं 2020 में जो तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए, साइंस टेक के लिए स्पेशल हम कोर्स लाने जा रहे हैं, क्रैश कोर्स के टाइप में, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं 2020 के लिए, वो हमसे जुड़ जाएं, और हम लोग उनको जल्द ही 20 से 25 दिन में उनका सारा साइंस एंड टेक करा देंगे, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मेरा रेफरल कोड है, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं अनअकैडमी में, क्योंकि अगर आपको तैयारी इसलिए करनी है तो अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी भी आपके लिए हो जाता है। तो इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो कि और भी क्या इसमें आपको बेहतर मिलने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बेटा हम लोग चलते हैं अपने कोर्स की ओर सभी लोग। हाँ बेटा, बायोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर बेटा कराऊंगा, अभी इसमें भी कुछ आपको मिलेंगे। तो रोशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और पूर्वी जी आप नंबर मेरा ले लीजिएगा और वहां पे मुझसे बात कर लीजिएगा। रोशन जी आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, ठीक है। और बेटा लाइक्स करते रहिए, लाइक्स और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक शेयर आप लोग बढ़ाते रहिए, जिससे कि अब हम लोग बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेरी बातों को बहुत गहराई समझिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ हो सकता है कि 15 मिनट में बोलता रहूं, क्योंकि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवों का बेटा वर्गीकरण, जब से धरती पर जीवों का विकास हुआ है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, लाखों जीव अभी तक धरती पर पैदा हुए हैं और लाखों धरती से खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि धरती पर जीवन का जो विकास का क्रम है ये निरंतर जारी रहता है। लाखों जीव जन्म लेते हैं और लाखों जीव नष्ट हो जाते हैं। अब ये धरती पर जो लाखों जीव बेटा हैं और जो नष्ट हो गए हैं, वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आती है कि इनको हम कैसे पढ़ें, इनके बारे में हम कैसे चीजों को समझें। तो प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों के दिमाग में ये प्रश्न था कि इतने अधिक जीवों को, लाखों करोड़ों प्रकार के जीवों को हम अलग अलग कैसे पढ़ सकते हैं, सबके बारे में हम अलग अलग जानकारी कैसे रख सकते हैं, ये असंभव है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी शारीरिक संरचना, उनके रूप और उनके कार्य के आधार पर क्या किया, जीवों को अलग अलग बांटना शुरू किया। हाँ बेटा 2020 प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी सेशन लेकर बेटा मैं ये क्लास कार्य में बेटा थर्सडे को करने वाला हूं। थर्सडे को बताऊंगा कि 2020 प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा। तो थर्सडे को आप लोग मत आइएगा। सर बॉटनी की क्लास भी लेते हैं? हाँ बेटा बॉटनी की मेरी सितंबर शुरू होगी, 30 अगस्त को मेरी जूलॉजी खत्म हो जाएगी, हम लोग 31 से बॉटनी शुरू करेंगे। क्या रिस्पांस है परी क्लास की, प्लीज टेल मी। परी जी इनको बता दीजिए क्या रिस्पांस है, तो थोड़ा सा आप लोग रिस्पांस अच्छा देंगे तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। और लाइक्स और बेटा शेयर आप लोग करते रहिए, लाइक्स और शेयर करते रहिए। तो अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि जीवों का वर्गीकरण जो है बेटा वो किस आधार पे किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जीवों का वर्गीकरण जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो उनकी शारीरिक रचना और शारीरिक रूप के आधार पे किया गया था, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनके रूप के आधार पे किया गया था। लेकिन यहां से पूरी बात बनी नहीं, बहुत सारे जीव बाहर से देखने में एक जैसे होते थे लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था, अलग अलग था, या बाहर से क्या थे वो देखने में अलग अलग लगते थे लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या था अंदर का, अलग अलग था। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया, और आपके पक्षी हो गए, ये बाहर से तो अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनका अंदर का स्ट्रक्चर बेटा क्या है, अलग अलग है, सॉरी सेम है।
तो इनको हम लोगों ने अलग अलग पढ़ना शुरू किया। तो हमने फिर क्या किया, फिजियोलॉजी के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर भी हमने क्या किया, इनको अलग करना शुरू किया। और बात नहीं बनी तो वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं बेटे, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, ये याद टर्म याद रखिएगा, यूपीएससी का ये बहुत ही पेट टर्म है फाइलोजेनेटिक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पीढ़ी का जो अध्ययन करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो पूर्वजों का अध्ययन करते हैं, वो हम आनुवांशिक स्तर पर करते हैं। तो जब हम किसी भी जीव के अध्ययन को, उसकी कैटेगरी को हम क्लासिफाई करने के लिए जीन्स का सहारा लेते हैं, उसके डीएनए का सहारा लेते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा, फाइलोजेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फाइलोजेनेटिक। फिजियोलॉजी का हिंदी मीन क्या है बेटा, फिजियोलॉजी को कहते हैं कार्यकी, कार्यकी कहते हैं, कार्यकी, शरीर के अंदर की जो कार्य प्रणाली हो उसको फिजियोलॉजी को कार्यकी कहते हैं। तो बेटा आप लोग लाइक्स और शेयर करते रहिए और क्लास में अच्छे से बने रहिए, जिससे कि हम आगे की चीजों को बढ़ाएं और बहुत ही स्मूथली चलेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर ध्यान दीजिएगा कि जीवों का जो वर्गीकरण की बात आई थी, वो इसीलिए आई थी कि हम सब इतने सारे जीवों को एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको हम क्रमबद्ध करके उनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उनके आकार के अकॉर्डिंग, उनके कार्य के अकॉर्डिंग, आंतरिक कार्य के अकॉर्डिंग यानी कार्यकी के अकॉर्डिंग, और फिर उनके जीन में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जीवों को अलग अलग वर्गीकृत किया है। निधि जी ने कुछ लिखा था फिर मिटा दिया। अब बात आती है बेटा जीवों का वर्गीकरण जो बेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जीवों को वर्गीकरण करेंगे, तो मान लीजिए कि धरती पर 100,000 से अधिक जीव हैं, प्रजातियां हैं इनकी, 100,000 से अधिक प्रजातियां मान लीजिए हम मान लेते हैं, तो इनको हम अध्ययन कर कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया इनके बेटा एक हायरार्की बना दी है, एक हायरार्की बना दी है, और उस हायरार्की का क्रम आपसे एग्जाम में बेटा पूछता है, वो आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया है बेटा, जितने भी जीव हैं उनको सबसे पहले हमने बांट दिया है किंगडम में, किंगडम में, याद रखिए किंगडम को बेटा क्या कहते हैं, किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत। तो सबसे बड़ा जो समूह पदानुक्रम है वो कौन सा बेटा हो जाएगा, जगत हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल आप बताएंगे हम क्या हो जाएगा बेटा, जगत हो जाएगा, और जगत के नीचे कौन आ जाएगा बेटा, फाइला आ जाएगा, फाइलम। अब यहां बेटा ध्यान दीजिएगा, पौधों के अगर हम प्लांट का अध्ययन करेंगे, प्लांट का वर्गीकरण करेंगे, तो अगर हम प्लांट का वर्गीकरण करते हैं तो हम किंगडम के बाद बेटा डिवीजन को लाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पौधों के वर्गीकरण को हम लोग क्या कह देते हैं, डिवीजन कह देते हैं, और पौधों के वर्गीकरण को हम लोग फाइलम कहते हैं, याद रखिएगा इसको। इसको हिंदी में बेटा क्या कह देते हैं, संघ कह देते हैं या उपजगत कह देते हैं, और यह होता है डिवीजन। तो प्लांट के केस में क्या कहेंगे बेटा, डिवीजन कहेंगे, और एनिमल के केस में क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। जैसे हम किस फाइलम में आते हैं, तो बेटा हम आते हैं फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि पीपल किस फाइलम में आएगा, तो पीपल बेटा फाइलम में नहीं आएगा, पीपल डिवीजन में आएगा, और पीपल का बेटा डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि एनिमल के केस में हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं, और जंतुओं के पौधों के केस में हम क्या कहते हैं बेटा, उसको डिवीजन कहते हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। और डिवीजन से जब बेटा हम नीचे आएंगे, यानी कि जब फाइलम से नीचे आएंगे, तो बेटा क्लास होता है, क्लास, क्लास होता है, क्लास के बाद बेटा कौन सा होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब जाति, सॉरी उपवर्ग होता है। इसके बाद बेटा क्या आता है, जीनस आता है, और जीनस के बाद कौन आता है बेटा, जीनस के बाद स्पीसीज आता है। तो एक एग्जांपल से मैंने यहां समझाया आपको, ये एक लोमड़ी है बेटा, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये एक लोमड़ी है। इस लोमड़ी को अगर हम वर्गीकृत करें कि इसको हम कहां कहां कैसे रखेंगे, तो ध्यान देखिए ये लोमड़ी का जो फाइलम बेटा है वो क्या है, वो कॉर्डेटा है। कौन सा है, वो कॉर्डेटा है।
हम लोगों का भी फाइलम बेटा क्या है? कॉर्डेटा। तो लोमड़ी और हमारा बेटा फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा हो गया। लोमड़ी की क्लास बेटा क्या है? लोमड़ी की क्लास बेटा क्या है? मैमेलिया है। और हमारी भी क्लास क्या है बेटा? मैमेलिया है। तो दोनों की क्लास भी क्या है? सेम है। यानी कि लोमड़ी और हम दोनों की क्लास बेटा क्या है? सेम है। और दोनों क्या है? वो चाहे लोमड़ी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बेटा आपका चमगादड़ तक का हो, चमगादड़ तक का जो बेटा फाइलम और क्लास हम लोग की क्या होगी? सेम होती है। किस आधार पर डिवीजन किया जाता है सर, प्लीज समझा दीजिए। अभी बता देंगे अभी बताया था हमने। इसके बाद बेटा देखिए, लोमड़ी कहां जाती है? कॉर्निवोरा में आ जाती है। कॉर्निवोरा मतलब ऐसे एनिमल जो मांसाहारी होते हैं। इसके बाद इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? कैनिडी हो जाएगी, कैनिडी। इसके बाद इसका जीनस क्या हो जाएगा? वल्पस हो जाएगा। और इसकी स्पीसीज क्या हो गई? वल्पस वल्पस। तो इसकी जीनस स्पीसीज दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। लेकिन पौधों के केस में ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पौधों के केस में जीनस और स्पीसीज कभी भी समान नहीं हो सकती। ये यूपीएससी का प्रश्न, ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। पौधों में कभी भी जीनस और स्पीसीज समान नहीं हो सकती, लेकिन मनुष्यों में, जंतुओं में जीनस स्पीसीज समान हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे भारत का जो जलीय जंतु है, राष्ट्रीय जलीय जंतु है, उसका नाम बेटा क्या है? पेराटेनिस्टा गैंगिटिका गैंगिटिका। तो गैंगिटिका भी क्या है? जीनस है। और गैंगिटा क्या हो गई? स्पीसीज हो गई। तो पेराटेनिस्टा गैंगिटिका गैंगिटिका दोनों क्या हो जाएगा? प्रीत मिश्रा ने लिख दिया है, वैसे प्राणी जो अपने बच्चों को स्तनपान करा सकते हैं मैमेलिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा निधि जी ने, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य की बेटा जीनस क्या होता है? मनुष्य का जीनस होता है होमो, और हमारा स्पीसीज क्या होती है? सेपाइंस होती है। याद रखिएगा, होमो सेपाइंस होता है। हमारी जीनस क्या है? होमो। और हमारी स्पीसीज क्या है? सेपाइंस है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। अब बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनकी आपको जीनस और स्पीसीज आपको पता होनी चाहिए। ये यूपीएससी के लिए भी और अदर स्टेट के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जितने भी आपको पता हो या जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। जैसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन सा है, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय पक्षी बेटा क्या है आपका? मोर है। तो मोर का बेटा राष्ट्रीय पक्षी, इसका नाम होता है पावो, पावो क्रस्टेटस। याद रखिएगा, पावो क्रस्टेटस, ये याद रखिएगा, पावो क्रस्टेटस बेटा क्या है? मोर का क्या है? जीनस और स्पीसीज है, यानी कि उसका जूलॉजिकल नाम है। राष्ट्रीय पशु बेटा कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय पशु बेटा क्या होता है? चीता होता है। इसका क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस और फिर टिग्रिस। याद है, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, ये किसका होता है? चीते का होता है। ध्यान रखिए बेटा। अगला बेटा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्यान दीजिएगा कि यहां पे राष्ट्रीय पूछ ले धरोहर पशु कौन सा है। राष्ट्रीय धरोहर पशु बेटा कौन सा है, कौन बताएगा? राष्ट्रीय धरोहर पशु बेटा कौन सा होता है? हाथी होता है, हाथी। इलिफस मैक्सिमस, इलिफस मैक्सिमस बेटा ध्यान रखिएगा, इलिफस मैक्सिमस, इलिफस मैक्सिमस। राष्ट्रीय जलीय पशु बेटा कौन सा है हमारा? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। पेराटेनिस्टा गैंगिटिका, गैंगिटिका गैंगिटिका, पेराटेनिस्टा गैंगिटिका गैंगिटिका, ये याद रखिएगा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये जीनस और स्पीसीज बेटा आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बेटा, अगर हम उसमें बात आ जाएं, बिल्कुल सही कहा, पेराटेनिस्टा गैंगिटिका गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। राष्ट्रीय फल बेटा क्या होता है? राष्ट्रीय फल बेटा आम होता है।
इसका नाम होता है मैंगी। इसका स्पीसीज जीनस क्या है? मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका। राष्ट्रीय फूल बेटा क्या होता है? कमल, लोटस। नीलंबो, नीलंबो न्यूसी फेरा, न्यूसी फेरा। तो ये आप बेटा पूछ लेता है, राष्ट्रीय वृक्ष बेटा कौन सा होता है? बरगद। फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। तो बेटा ये मैचिंग में आ जाएंगे या अलग अलग पूछ लेगा। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, अगर आपको कम से कम देश के बारे में बेटा पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, मैं अब उसी पे काम कर रहा हूं और बहुत जल्द आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, आपको हमसे बात करने का मौका मिलेगा, आपकी जो पर्सनल समस्याएं हैं उसको हम दूर करने वाले हैं। अब हम आपके साथ नजदीक आने वाले हैं और आपके बीच में आकर के आपकी समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे और यूपीएससी जो 2020 4 अक्टूबर को देने जा रहे हैं उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम विशेष कोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रेम बनाए रहिए और लाइक्स और कमेंट करते रहिए। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा। तो पहले अब देखिए रटिए, पहले बेटा पहले क्या होगा आपका? किंगडम होगा। किंगडम के बाद क्या होगा? फाइलम होगा। फाइलम के बेटा बाद क्या होगा? क्लास होगा। क्लास के बाद क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर के बाद क्या होगा? जीनस होगा। जीनस बेटा के बाद क्या होगा? स्पीसीज होगी। अब इसको याद कैसे करोगे बेटा? थोड़ी ट्रिक अगर आपको याद हो जाए तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसको याद कैसे करोगे? फाइलम, सॉरी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो याद रखिएगा कॉफ या कोफ, ये कोफ याद, एक सीओपी कॉफ जीएस, कॉफ जीएस याद रखिएगा, कॉफ जीएस ये याद रखिए, कॉफ जीएस मतलब जीएस हो गया मान लो जनरल स्टडी, और एक कोचिंग है उसका नाम क्या है मान लो कॉफ है, और पढ़ाता कौन है? केपी सर पढ़ाते हैं। तो केपी का कॉफ जीएस जो है बेटा ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस हो गया। जलेबी का बेटा जो नेशनल स्वीट है आशीष ने कहा, इसका जो नाम होता है राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड स्टॉप, है ना, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते फिर क्या रोक दो, उसको क्या कहते हैं आपका? जलेबी कहा जाता है। तो आप लोग लाइक बेटा और शेयर करते रहें। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, केपी कॉफ जीएस, इससे आपको कभी नहीं भूलोगे कि क्रम क्या होता है। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि किंगडम के बाद क्या आएगा, ऑर्डर के बाद क्या आएगा, फैमिली के बाद क्या आएगा, और यूपीएससी में मान लो क्रम दे देता है, ये यूपीएससी में क्रम देता है, कहते बताइए इनमें से कौन सा सही क्रम है। तो एक क्वेश्चन बेटा अगर आपका सही हो जाएगा तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो इसको बेटा ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन भी आपको आगे ले जा सकता है, तो इस पे आप लोग इसको मिस मत करिएगा और आराम से इस चीज को आप देखिए और पढ़ते रहिए। सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, टाइम आज ज्यादा ले सकता हूं मैं आप लोगों का। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा, गेहूं का, ऐसे मक्के का, ऐसे हर चीज का आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि उसका जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। उसकी लिस्ट हम क्या करेंगे आप लोगों को एक पीडीएफ के रूप में दे देंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बेटा देखिए कि वो पहला व्यक्ति कौन रहा होगा जिसके दिमाग में आया होगा। हम लोगों को आज आसान लग रहा है कि हम ये जानते हैं कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये चूहा है, ये खरगोश है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये कीड़ा है, ये है, वो दुनिया भर के हम जान गए हैं। लेकिन सोचो जब इसके बारे में किसी को पता नहीं रहा होगा, किसी को पता नहीं होगा, तब बताइए वो पहला व्यक्ति कौन रहा होगा जिसने सबसे पहले जंतु जगत और एनिमल जगत को, प्लांट जगत को अलग किया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अरिस्टोटल था, अरस्तु था। ध्यान रखे बेटा, सबसे पहला व्यक्ति अरस्तु था जिसके दिमाग में आया कि हम क्या करें, जंतुओं को और पौधों को अलग वर्ग में रखें। अब रखने का आधार क्या था इसका? इसका रखने का आधार था बाह्य आकार की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, यानी कि देखने में बाहर से कैसे लगते हैं, उसके आधार पे इसने क्या किया, जंतुओं को और जीवों को अलग अलग रखा। और जिसमें सारे प्लांट जैसे एक जैसे दिख रहे थे कि वो खड़े रहते थे, हरे हैं, उन जमीन में लगे रहते हैं, उन सबको उसने क्या कह दिया, प्लांट किंगडम कह दिया। क्या कह दिया बेटा? प्लांट किंगडम।
और जंतुओं को बेटा उसने दो भागों में बांटा। याद रखिएगा, जंतुओं को उन्होंने दो भागों में बांटा, ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी का बहुत ही पेट क्वेश्चन है कि जंतुओं को दो भागों में बांटने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इन्होंने बांटा था दो भागों में। जिन जंतुओं में लाल खून होता है, रेड ब्लड होता है, जिन जंतुओं में बेटा रेड ब्लड होता है उसको कहा इन्होंने एनीमा। एनीमा याद रखिएगा, एनीमा। एनीमा का मतलब बेटा क्या होता है, जिन जंतुओं का खून कैसा होता है, लाल होता है, यानी कि जिनमें क्या होगा बेटा, जिनके अंदर आरबीसी होगा, जिनके अंदर आरबीसी होगा, जिनका खून लाल होगा, उनको अरस्तु ने क्या कहा, एनीमा कहा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, जिनमें लाल खून नहीं होता है बेटा उनको क्या कहा, उनको एनीमा कहा। सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया, सही कर लीजिए इस चीज को। जिन जंतुओं में बेटा लाल खून नहीं होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, और ईमा, ईमा का मतलब होता है बेटा ब्लड, जिसमें ब्लड रेड ब्लड नहीं होता है उनको क्या कहा गया, एनीमा कहा गया। जैसे अमीबा से लेकर के स्पंज जो आपके होते हैं, स्पॉन्ज जो आपके होते हैं, स्पॉन्ज के साथ साथ आपके कौन होते हैं, आपके जो कीट वगैरह होते हैं, कीट हो गया, आपका कॉकरोच हो गया, आपका स्टारफिश हो गया, आपका ये जितने भी जंतु होते हैं इनमें लाल खून नहीं होता है, तो जिनमें लाल खून बेटा नहीं होता है उनको क्या कह दिया गया, एनीमा कह दिया गया। और जिनके अंदर बेटा लाल खून होता है, जिनके अंदर लाल खून होता है, जिनके अंदर आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, सॉरी होता है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया ईनेमा। तो ईनेमा का मतलब बेटा होता है जिसके अंदर लाल खून होता है। हम लोग किसमें आ जाएंगे बेटा, हम लोग आएंगे ईनेमा में आएंगे, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको ईनेमा, और जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है उसको एनीमा। जैसे यहां पे मैंने एक डायग्राम आपको बना के दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए, मछली में लाल खून होता है, एम्फीबियंस में लाल खून होता है, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप में लाल खून होता है, पक्षियों में लाल खून होता है, और स्तनधारियों में लाल खून होता है। तो ये सब सारे बेटा किसमें आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे आपके ईनेमा में, जिनमें लाल खून, हीमोग्लोबिन इनमें क्यों नहीं होता, कोई ब्लड पर बात, कोई ब्लड पर कौन ब्लड पर बैठ दिया, मतलब प्रियंका जी क्वेश्चन पूछिए क्या कह रहे हैं, कौन ब्लड पर, तो ये ध्यान रखिए बेटा, जिनमें लाल खून नहीं होता है उनको क्या कह दिया गया, एनेमा, और जिनमें लाल खून होता है उनको क्या कह दिया गया, ईनेमा। और इसको वर्गीकृत वाले व्यक्ति को बेटा अरस्तु थे। तो सबसे पहले जंतुओं का और पौधों का वर्गीकरण करने वाले कौन थे, अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल को बेटा क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये दोनों क्यों हैं, इसको बेटा ध्यान में रखिएगा। अब बेटा बात आती है यहां पर कि आगे चल करके इससे काम नहीं चला, अब साइंटिफिक रूप में किसने प्रूफ किया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। साइंटिफिक रूप में सबसे पहले जंतुओं को वर्गीकृत करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा लीनियस, ये चित्र बना हुआ है इनका, कैरोलस लीनियस, ध्यान रखिएगा बेटा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, लाइक्स कम हो रहे हैं आप लोगों के, लाइक और सब्सक्राइब बेटा करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कम, लाइक और सब्सक्राइब बेटा करते रहिए, जिससे कि हमारा एनर्जी बनी रहे और हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाते रहें। तो सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति पर, सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति पर जंतुओं का वर्गीकरण वाले व्यक्ति कैरोलस लीनियस थे, ध्यान रखिएगा कौन थे, कैरोलस लीनियस। ये यूपीएससी में इनकी किताब का नाम पूछा गया है, तो इनकी किताब का नाम था सिस्टमा नेचुरी। सबसे पहले जंतुओं और पौधों को वर्गीकृत किसमें किया था इन्होंने, सिस्टमा नेचुरी में किया था।
सिस्टमा नेचुरी किताब में इन्होंने सबसे पहले जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? कैरोलस लिनियस थे, और इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे? तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी आपके हो जाएंगे कैरोलस लिनियस। ये ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेटा कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मैंने बात आपसे बताई थी कि एक होता है बेटा जीनस और एक होता है स्पीसीज, इन दो शब्दों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले और उसमें अंतर स्पष्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था जॉन रे। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। जीनस और स्पीसीज यानी कि जाति और वंश को वैज्ञानिक तौर पे प्रूफ करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था जॉन रे। इनका जान देखो चित्र से लग रहा है कि इनकी जान चली गई है, इतना सूखे है ये, जॉन रे याद रखिएगा। तो स्पीसीज और वंश की वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने वाले और उसको एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन रे। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक तौर पर सबसे पहले जीनस और स्पीसीज का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? तो आप कहोगे बेटा जॉन रे ने दिया था। लाइक बेटा करते रहिए और शेयर करते रहिए जिससे कि हम और आपको बेहतर बता पाए। अब बेटा थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना होगा, ये जो डायग्राम बेटा बना हुआ है इसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी आने वाली सारी हाँ बेटा को नेटवर्क कुछ हमको लगता है घूमने गोल गोल घूमने लगता है कभी कभी है। थोड़ा सा और जब वैज्ञानिक चीजें आई, जब लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उन्होंने और बेहतर तरीके से क्या किया, वर्गीकरण को शुरू किया। तो 1969 में एक साइंटिस्ट थे W.H. व्हाइटेकर, याद रखिएगा बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, W.H. व्हाइटेकर का नाम सुना होगा। सबसे पहले इन्होंने पांच किंगडम, पहले अरस्तु ने केवल दो किंगडम बताए थे, कौन कौन से? प्लांट और एनिमल। कैरोलस लिनियस ने भी केवल दो किंगडम बताए थे, प्लांट और एनिमल। व्हाइटेकर पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने बताया कि धरती पर पांच तरह के लोग रहते हैं, यानी कि पांच फाइलम हैं। इसीलिए इसके फाइलम का नाम रखा गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और वैज्ञानिक तौर पे इसने क्लियर कर दिया कि किस जीव को हमको कहां रखना है, बैक्टीरिया को कहां रखेंगे, प्रोटोजोवा को कहां रखेंगे, हम लोग फंगी को कहां रखेंगे, प्लांट को कहां रखेंगे, एनिमल को कहां रखेंगे, इन सबको उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके बाह्य आकार और उनके जीन्स के आधार पे इसने क्या किया, बहुत गहन अध्ययन किया और सभी जीवों को अलग अलग करेक्टर में रख करके उसको अलग अलग किंगडम में रख दिया, और इस तरह से उसने पिनाकल पटेल जी कह रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा है, बेटा मजा लेना है तो कहीं और जाइए, हम आपको मजा नहीं दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो अब ये मजा नहीं देगा थोड़ी आपकी, ये तो क्लास है, यहां पे क्लास में कहीं मजा आता है, और मजा आता क्लास में तो ये बच्चे पढ़ते तो इतना वो क्यों करते, सर आज बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं ऐसा मुझे ही लग रहा है या सभी को, चलो मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूं अगर फास्ट लग रहा है तो। तो व्हाइटेकर ने बेटा क्या किया, सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा बताने का उनका मतलब ये था कि जंतुओं को जो धरती पर हैं उनको हम पांच अलग अलग वर्ग में रख सकते हैं और पांच अलग अलग फाइलम में उनको हम रख सकते हैं और उनको रखा भी, और उसका आधार क्या था आप इसको पहले समझ लीजिए कि व्हाइटेकर ने जो पांच किंगडम जो रखा उसका आधार क्या था। तो इनका बेटा पहला आधार था वो था कोशिका कैसी होगी, कोशिका कैसी होगी। तो इन्होंने ये कहा
कि ऐसे जंतु जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और एकल कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक होंगी और एकल कोशिका होगी, यानी ऐसे जीव जिनकी शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होगा। बिल्कुल निधि ने बिल्कुल सही कहा है, ये आनंद करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये संघर्ष और परिश्रम का प्लेटफॉर्म है। वाह, थैंक यू। ऐसे बच्चे रहेंगे तो एकदम जरूर टॉप करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और एकल कोशिका वाले जीव को इन्होंने क्या कह दिया बेटा? मोनेरा कहा, मोनेरा। तो सबसे पहला इनका आधार क्या था? कोशिका। अगर कोशिका प्रोकैरियोटिक है और एक कोशिका का जीव बना है तो उसको क्या कहा इन्होंने? संघ मोनेरा कहा। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि संघ मोनेरा क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, ऐसे जीव जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और एक कोशिका के बने होते हैं, वे सभी बेटा कहलाएंगे मोनेरा। वो सभी क्या कहलाएंगे? मोनेरा कहलाएंगे। और इसमें बेटा जीव कौन आएगा? उसमें जीव बेटा आते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसमें आता है? संघ मोनेरा में आता है। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया किसमें बेटा आएगा? मोनेरा में आएगा। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल बेटा किसमें आएगा? मोनेरा में आएगा। और माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ये सब बेटा किसमें आएंगे? मोनेरा में आएंगे। एक बार फिर से, हाँ बेटा, डेली होती है 9:30 बजे से। जिन जंतुओं का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है, जिन जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है, वाइटेकर ने उन सबको कहाँ रखा? वाइटेकर ने उन सबको रखा मोनेरा में। और मोनेरा के एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? मोनेरा के एग्जाम्पल बेटा हो जाएंगे बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये सारे बेटा क्या हो जाएंगे? मोनेरा में आ जाएंगे। तो वाइटेकर का बेटा पहला फाइलम क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे पूछ ले यूपीएससी में कि धरती पर सबसे पहले किस संघ का विकास हुआ या किस संघ के जंतुओं की उत्पत्ति हुई, तो आपका आंसर होगा बेटा मोनेरा। सर, आप इंपॉर्टेंट चीज दोहरा दिया करो क्योंकि नोट्स बनाने में आसानी होती है। हाँ बेटा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपने कई बार कहा है मैं सारा नोट्स आपको दूंगा, अब मैं उसी पे आ रहा हूं। सारा कुछ मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में देने की तैयारी कर रहा हूं। तो पहली बार बेटा अगर यूपीएससी में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले धरती पर किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ, तो वो संघ मोनेरा के जंतु आए, यानी कि सबसे पहले धरती पर बैक्टीरिया का विकास हुआ, पहला किंगडम। इसके बाद प्रियंका जी ने बहुत सही बात लिख दी है जो मैं बताने जा रहा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि जिन जंतुओं का शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है, जिन जंतुओं का शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है, जिन जंतुओं का शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है और एकल कोशिका होती, ये भी सिंगल कोशिका होंगी। थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना होगा, एक बार मैं आपको दोबारा यहां पे रिपीट कर रहा हूं, यहां पे अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले वाइटेकर का जो आधार था वो ध्यान रखिए वो कोशिका था, और आप सबको पता चल गया है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशी और बहुकोशी। इतना कॉन्सेप्ट रखने के बाद अब हम यहां समझेंगे तो समझ में हमको आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ऐसे जीव जिनकी कोशिका बेटा कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है और एक कोशिका के जीव बने होते हैं, उन सभी को कहां रख दिया? उन सभी को रख दिया बेटा मोनेरा में रख दिया, उन सभी को मोनेरा में रख दिया। लाइक्स बेटा नहीं आ रहे हैं, शेयर भी नहीं हो रहा है। और दूसरे जंतु जिनका शरीर बेटा यूकैरियोटिक कोशिका से बना है और वो भी एक कोशी है,
उन दोनों के करैक्टर को रखने वाले, इनको इन्होंने रखा संघ प्रोटिष्ठा में। संघ प्रोटिष्ठा में तो दुनिया में दूसरा संघ जो जीव आए उनका नाम क्या था? प्रोटिष्ठा। तो मोनेरा के बाद धरती पे कौन बने? प्रोटिष्ठा बने। और बेटा प्रोटिष्ठा में जो जीव जो आएंगे उसका बेटा नाम है प्रोटोजोआ। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है कि प्रोटोजोआ को किस संघ में रखा गया है, तो प्रोटोजोआ को संघ प्रोटिष्ठा में रखा गया है, जैसे अमीबा और पैरामीसियम। बिल्कुल। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, एक कोशीय शैवाल जो होते हैं, एक कोशीय एल्गी, एक कोशिकीय एल्गी और एक कोशिकीय कवक, इन दोनों को भी कहां रखा गया है? ये प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो अगर आपसे बेटा पूछा जाए हु इज, हेलो सर, हु इज प्रपोज द टर्म प्रोटिस्टा, ये बेटा हैकल ने रखा था। तो प्रोटोजोआ बेटा क्या होगा कि प्रोटोजोआ एक कोशी और शैवाल और एक कोशी कवक, इन सबको बेटा कहां पे रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। यानी कि धरती पर सबसे पहले जीव जो आए वो मोनेरा के थे, दूसरे जो आए वो कौन से थे? वो प्रोटिस्टा के थे। इनका बेटा आधार क्या था? इनका आधार था कोशिका। इनका आधार क्या था? कोशिका का था। तो ये देखिए आपका आंसर प्रियंका जी ने दे दिया है। तो इस आधार क्या था? कोशिका था। अब बेटा हम चलते हैं कि दूसरा आधार इनका क्या था। बेटा इनका जो दूसरा आधार था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पे जो जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते थे उनको उन्होंने कहा स्वपोषी। जो जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते थे उनको कहा ऑटोट्रॉफ। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? बेटा अभी आप लेट में आए हैं, मैंने बताया था बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा? स्पीसीज होती है, स्पीसीज होती है। अभी मैंने, आप शायद लेट में आए हैं युवराज जी, मैं बता दिया हूं कि बेसिक यूनिट क्या होती है? स्पीसीज, फिर जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके ऊपर क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम डिवीजन, और उसके बाद किंगडम, स्वपोषी। और जो अपना भोजन बेटा स्वयं नहीं बनाते हैं उनको क्या कहा गया? परपोषी। क्या कहा गया इनको? परपोषी कहा गया, परपोषी कहा गया। एक मिनट बेटा, क्या कहा गया इनको बेटा? परपोषी कहा गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि पर स्वपोषी की कंडीशन क्या थी, इसमें किनको रखा इन्होंने? जो कैसे थे? ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हैं, ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हैं, बहुत गहराई समझिएगा, ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हैं और बहुकोशीय हैं, बहुकोशीय हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव जो बहुकोशीय हैं, यूकैरियोटिक हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इनको रखा इन्होंने संघ या किंगडम प्लांटी में। किसमें रखा? प्लांटी में रखा। तो तीसरा फाइलम क्या हो गया बेटा इनमें? प्लांटी हो गया। और ऐसे बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव जो परपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशी होते हैं, लेकिन इनमें अंतर यह होता है कि एक में क्या होता है बेटा? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, और एक में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ऐसे परपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशीय जिनमें कोशिका भित्ति होती है उनको इन्होंने कहा संघ फंगी, यानी कि कवक में रखा, कवक में। और जिनमें परपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशी होती हैं, इनको कहा रखा संघ एनीमैलिया में रखा, संघ एनीमैलिया में रखा। तो अब थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आप लोग तैयारी। देखिए कैलेंडर आ गया है 2021 का, 2021 का कैलेंडर आ गया है।
तो देखिए बेटा, इस डायग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूं इसको बहुत गहराई समझिएगा। मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनी मैलिया, इन पांचों को बेटा ध्यान, बिना संघर्ष के शायद ही कोई जुनून है, बिल्कुल सही। अब बेटा मोनेरा और प्रोटेस्टा बेटा ध्यान रखिएगा, ये दोनों बेटा जो हैं ये एक कोशी होते हैं, यानी कि इनका शरीर किसका बना होता है बेटा, एक कोशिका का बना होता है। यहां से आपको चीजें मिलनी शुरू होंगी और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। मोनेरा और प्रोटेस्टा बेटा कैसे होते हैं, एक कोशी होते हैं बेटा। लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। और बाकी बेटा जो है ये फंगी प्लांटी और एनिमेलिया, ये कैसे होते हैं, ये बेटा बहुकोशी होते हैं, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज बेटा, जो मोनेरा होते हैं इनका शरीर बेटा कैसा होता है, कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, इनके कोशिका में बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। और बाकी सभी की कोशिकाएं बेटा कैसी होती हैं, बाकी सभी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, बाकी सभी की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें प्लांटी बेटा जो है ये ऑटोट्रॉफ है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, और फंगी और एनिमेलिया अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो आप कहोगे मोनेरा। मोनेरा के बाद कौन आया, तो मोनेरा के बाद बेटा प्रोटिस्टा आए। प्रोटिस्टा से बेटा क्या हुआ, फंगी प्लांटी और एनिमेलिया, ये ध्यान रखिएगा। सबकी ओरिजिन बेटा कहां से हुई है, मोनेरा से हुई है, यानी कि हम सभी का विकास कहां से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। इसके बाद बेटा प्रोटोजोआ का विकास हुआ है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। प्रियंका जी डायलॉग नहीं, किसी की इज्जत करना है जो नदीम सर ने सिखाया है। प्रियंका जी ने क्या लिख दिया है, मुझे पता नहीं प्रियंका जी ने क्या लिखा है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत ही कीमोसिंथेसिस बेटा जो होंगे उनको हम लोग कहां रखेंगे, उनको बेटा जैसे हम लोग बैक्टीरिया में ही रखते हैं। कीमोसिंथेसिस को हम लोग कहां रखते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरिया बेटा जो उसको हम लोग रखते कहां पर हैं, ऑटोट्रॉफ में रखते हैं। ऑटोट्रॉफ बेटा दो प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे युवराज जी, जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ये दो प्रकार के होंगे ऑटोट्रॉफ। एक होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक और एक बेटा होते हैं कीमोसिंथेटिक। एक होते हैं फोटो जो प्रकाश बनाएंगे, जो कीमो में सल्फर बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया ये सब क्या बेटा होंगे, ये सब मेथनोजन बैक्टीरिया, ये सब बेटा कीमोसिंथेटिक होते हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए हमको युवराज जी, डिटेल बताएंगे, यहां पे बताने में तो टाइम लग जाएगा और यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है युवराज जी, कुछ दिक्कत आएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अब आगे चलते हैं, अब ध्यान रखिएगा। यहां पर ये हो गया, तो देखिए बेटा ये सारा युवराज जी सब लिखा हुआ है यहां पर, आपको कुछ ज्यादा जो है नोट नहीं करना है, जो मैंने समझाया है देखिए यहां पर लिखा है। 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान किसने ले लिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ने ले लिया, जिसको किसने दिया था, व्हाइटेकर ने दिया था। मोनेरा बेटा क्या होते हैं, इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आते हैं, जैसे यहां पे इनका डायग्राम बना हुआ है। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, इसमें पादप व जंतु के बीच स्थित युगलीना जो होता है वो भी यहीं पर आ जाता है। युगलीना बेटा अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए इसको
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहा जाता है। आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी कर रहे हो। मास्टर जी आपको एक बात बोलूं, मेरे सबसे अधिक गुरु व यहां पर लड़के लड़कियां बहुत अच्छी हैं, सभी इज्जत से बोलते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा महेश जी, मैं आपका आपकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं। मोदी शेर बाकी सब चोर। आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, टेक एजुकेशन और नाम भी आपका टेक एजुकेशन है। अपने आप थोड़ा सा देखिए, सीरियस हो जाइए आप लोग, है ना। आप लोग आईएएस की तैयारी करने आए हो, इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में बातों को रखोगे तो क्या होगा बेटा। वॉलवैक्स जो होता है वो एल्गी होता है, सिंगल सेल एल्गी होता है वॉलवैक्स, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नहीं बेटा, साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया कवक नहीं है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है। कवक बेटा क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसके हम लोग आगे करेंगे, और जंतु और पादप हो जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बताते हैं जंतुओं का वर्गीकरण, यहां से हम लोगों का अब मेन शुरू होगा। वॉलवैक्स देखा है बेटा, पढ़ लो, बातें बाद में कर लेना। काजल, हाँ काजल सही कह रहे हैं, ये महेश पांडे जी, सखा गौर यारा, सब पढ़ लो बाद में, यहां पढ़ाई करने आए हो, लाइक भी करते रहो शेयर भी करते रहो। तो देखिएगा कि जंतुओं का बेटा जो वर्गीकरण है, तो जंतुओं को 10 संघ में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट, जंतुओं को कितने संघ में डिवाइड किया गया है, तो जंतुओं को बेटा 10 संघ में डिवाइड किया गया है। 10 संघ में केवल एक ऐसा संघ है बेटा जो एक कोशी होता है, ये ध्यान रखिए। 10 संघ में केवल एक ऐसा जीव है, एक ऐसा संघ है जिसके जीव कैसे होते हैं बेटा, 10 संघ में केवल एक ऐसा संघ है जिसके जीव बेटा कैसे होते हैं, एक कोशी होते हैं, और उसका नाम क्या है बेटा, संघ प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ। इसके सभी जीव कैसे होंगे बेटा, एक कोशी होंगे। और 9 संघ बेटा ऐसे हैं, 9 संघ बेटा ऐसे हैं जिसके जीव कैसे होते हैं, बहु कोशी होते हैं। 9 संघ बेटा ऐसे होते हैं जिनके जीव बहुकोशी होते हैं, और एक संघ ऐसा है जंतुओं का जिनमें एक कोशीय जंतु होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक एक को इसको देखेंगे, एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा हम आते हैं संघ प्रोटोजोआ की तरफ। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रोटोजोआ बेटा जो है वो वाइटेकर के अनुसार ये कहां पे आएगा, संघ प्रोटिस्टा में आएगा। लेकिन जंतुओं के वर्गीकरण करेंगे तो इसमें कहां पे आ जाएगा, वो संघ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अलग से संघ माना जाएगा। हु डिस्कवर द अमीबा, बेटा अमीबा को लिवेनहॉक नहीं खोजा था, एंटोन वॉन लिवेनहॉक नहीं खोजा था बेटा। युवराज जी थोड़ा सा आप क्वेश्चन को थोड़ा सा यूपीएससी लेवल के कर लीजिए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, है ना, और आप खुद समझदार हो, समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे आप पूछ रहे हो, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप अपने आप को अपडेट कर लें तो मेरे लिए बेहतर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कंसेप्चुअल हो और लॉजिकल हो, तो मैं बताने में थोड़ा सा आपको सहयोग करूंगा, है ना, मुझे बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान रखिए। इनका शरीर बेटा कैसा होता है, एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। युवराज जी आप लगता है नीट की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी वाले बच्चों के दिमाग में ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं क्योंकि कोई पूछे नहीं गए। तो इनका शरीर बेटा कैसा होता है, एक कोशिका का बना होता है। तो एग्जाम बेटा क्वेश्चन क्या आएगा इसको ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन से अमीबा के जीव हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो मलेरिया उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बेटा जो होता है वो कैसा है, वो अमीबा, वो प्रोटोजोआ है। जो काला अजार रोग उत्पन्न करता है उसका बेटा नाम क्या है, लीशमानिया, लीशमानिया, ये भी क्या होता है बेटा, प्रोटोजोआ होता है। जो निद्रा रोग करता है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनो
सोमा ये भी क्या है बेटा, प्रोटोजोआ होता है। अमीबा जो समुद्र पानी में पाया जाता है। पैरामीशियम ये सब बेटा किसमें आते हैं, ये सब बेटा प्रोटोजोआ में आते हैं। और ध्यान रखिए बेटा इसमें यूगलीना के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूगलीना बेटा क्या है, ये ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए यूगलीना को बेटा क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जंतु और पादप के बीच की बेटा कड़ी कौन है। क्या लिखा है बेटा, प्रचलन। बेटा प्रचलन मतलब होता है चलना, लोकोमोशन, लोकोमोशन। बेटा प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म बेटा जो होते हैं, जिनकी बॉडी जो बेटा जो जब हम लोग पढ़ते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो एकदम बेसिक लेवल के जीव जो होते हैं, जिनका शरीर में बेटा प्रोटोप्लाज्म ही केवल होता है, सिंगल सेल होते हैं, जैसे अमीबा, प्रोटोजोवा के जंतुओं को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल होती है और प्रोटोप्लाज्म भरा होता है इसमें। तो क्लासिफिकेशन में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है युवराज जी, उसमें जो पहला लेवल होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम वाले, उसके बाद आपका ऑर्गन ऑर्गन वाले, फिर ऑर्गन सिस्टम वाले। तो ये बेटा होता है। तो प्रोटोप्लाज्म बेटा क्या हो गया, आपके जितने भी प्रोटोजोवा के जंतु हैं जिनमें सिंगल सेल होते हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। कह रहे हैं अभी पढ़ा लो बाद बता देंगे, बिल्कुल बेटा सही है। तो ये यूगलीना बेटा क्या है, क्वेश्चन आएगा कि यूगलीना बेटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों प्रकार के बेटा होते हैं प्रोटिस्टा, ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से पानी में भी पाए जाते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अमीबा परजी, कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, लीशमानिया परजीवी है, ट्रिपैनोसोमा परजीवी है, आपका जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो भी परजीवी है, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस बेटा जो होता है वो भी परजीवी होता है। हाँ आशीष जी ने सही लिखा है, जंतु और पादप की बीज की कड़ी बेटा क्या है, युगलीना है। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन बेटा खुद बनाता है, और जो अपना भोजन बेटा खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोवा है, कौन सा, तो आपको प्लाज्मोडियम, लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। युगलीना बेटा जो होता है ये अमर होता है, ध्यान रखिए कौन सा जीव अमर है, तो आप कहेंगे अमीबा अमर है, इसको अमरत्व का वरदान प्राप्त है, यानी कि ये कभी मरता नहीं है, ये डिवाइड होकर के क्या करता है, अपने आप को बनाता रहता है। तो अमीबा को अमरत्व जीव कहा जाता है, इमोर्टल एनिमल कहा जाता है। बेटा बाकी सब यूगलीना में बेटा एनिमल की तरह होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें होती है, क्लोरोफिल की वजह से इसको क्या कह देते हैं, प्लांट के लक्षण कह देते हैं, सेल वॉल इसमें नहीं होती है तो ये प्लांट की तरह नहीं हो पाया, ना तो कवक बन पाया, अगर सेल वॉल आ जाती तो क्या होता, ये हम प्लांट में रख देते इसको, तो सेल वॉल नहीं होती है इसलिए इसको हमने कहां रख दिया, एनिमल में रख दिया। और अपना भोजन बेटा ये खुद बनाता है इसलिए इसको हमने कहां रख दिया, प्लांट में रख दिया। और अमीबा का कोई आकृति नहीं होती है, ये बार बार अपना शेप क्या करता है, चेंज करता है, जैसे हम लोगों में क्या बेटा होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे आकार पूछता है तो आप क्या कहते हो, अमीबॉइड होता है, अमीबा हैज नॉट डिफिनिट शेप, बिल्कुल डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरह होता है, ये अपना आकार बार बार क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो कौन सा जीव है जो अपना आकार बार बार बेटा चेंज करता है, तो आप क्या बताओगे, अमीबा करता है।
तो ये बेटा हो गया अमीबा के बारे में, यानी कि प्रोटोजोवा के बारे में। एक कोशी होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, केंद्रक होता है, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, या ये परजीवी के रूप में रहेंगे। परजीवी के रूप में रहेंगे तो रोग उत्पन्न करेंगे। ये सब जानकारी आपको यहां पर होनी थी। अब आइए बेटा हम अगले चलते हैं, पोरीफेरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिएगा, पोरीफेरा। बेटा यहां पे नाम से ही देखिए आपको पता चल जाएगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। पोरी का मतलब बेटा होता है पोर, छिद्र होते हैं, पोर मतलब छिद्र। और फेरा का मतलब होता है बेटा बियरिंग, धारण करना। ऐसे जीव जो अपने पूरे शरीर पर छिद्र धारण करते हैं, छिद्र होते हैं, स्पॉट होते हैं, रोम होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पोरीफेरा। ये देखिए यहां पर, देखिए पूरे शरीर में यहां पे क्या है, छिद्र है। यहां देखिए ये पूरे शरीर बेटा क्या है, छिद्र है। तो जिनके पूरे शरीर पर बेटा पोर्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल बेटा क्या कहलाते हैं, पोरीफेरा कहलाते हैं। और ये खारे जल में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं। अब यहां पे बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये होते तो बहुकोशीय हैं, ये होते तो बहुकोशीय हैं, लेकिन इनमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये होते तो बहुकोशीय हैं, लेकिन इनकी कोशिकाएं अभी तक ऊतक का निर्माण, टिश्यू का निर्माण नहीं कर पाई हैं। तो एग्जाम में आएगा कि किन जंतुओं में कौन से जंतु ऐसे हैं जो बहुकोशीय तो होते हैं लेकिन उनमें ऊतक नहीं होता है, टिश्यू नहीं होता है। तो याद रखिए, पोरीफेरा के जंतु जो होते हैं इनमें टिश्यू नहीं होता है, लेकिन ये मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि ये जीव जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग काम करती हैं, एक समूह में एक काम नहीं करती, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर जो हो यहां पर नहीं हो पाता है। और यहां पे होते तो बहुकोशीय हैं, लेकिन इनके जो जीव ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि इनकी जो बॉडी बेटा होती है वो कैसी होती है, इनकी बॉडी जो होती बेटा वो सेलुलर लेवल की होती है, सेलुलर लेवल की होती है। तो सबसे पहले कौन सी लेवल बेटा आ जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोजोआ को हमने कहां रखा था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में रखते हैं, जहां पर सेल नाम की कोई चीज हम नहीं कहते हैं, केवल प्रोटोप्लाज्मिक कह देते हैं। यहां पर मल्टी सेलुलर है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेलुलर लेवल कह देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। अब देखिएगा बेटा यहां पर कि इनके एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, तो बेटा इस और इसमें क्यों ध्यान रखिएगा, इनके पूरी बॉडी में बेटा क्या होता है, एक वाटर कैनाल होता है, एक वाटर कैनाल होता है। इनमें जो छिद्र होते हैं, इनमें जो छिद्र होते हैं, और एक ऊपर इनका माउथ होता है, इसको ऑपरकुलम कहते हैं। माउथ को क्या कहते हैं, इनके माउथ को बेटा कहा जाता है ऑपरकुलम, और जो छिद्र होते हैं इनको ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया तो लाखों हो सकते हैं, लेकिन इनका ऑपरकुलम क्या होगा बेटा, एक ही होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, जल संवहन तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसमें पानी जो है बाहर से आएगा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से इनकी सिलोम में, और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। ये पूछा गया क्वेश्चन है, किस जंतु में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो आप क्या बताओगे, स्पॉन्ज में या पोराफेरा, पोरीफेरा के जंतुओं में बेटा क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा कौन सा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज बेटा क्या करता है, अपने पानी को सोख लेता है। और स्पॉन्ज बेटा जो होता है इसमें कई प्रजातियां होती हैं। तो एक यहां पे मैंने देखिए ये होता है, इसको आपने शायद देखा होगा, यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला को बेटा कॉमन भाषा में क्या कहा था, बीनस फ्लावर बास्केट। जापान में बेटा जब शादी ब्याह होती है या कोई पार्टी होती है तो उसमें क्या करते हैं, इस जंतु को एक गुलदस्ते के रूप में दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया था
कि किस जंतुओं का उपयोग जापान में गुलदस्ते के रूप में किया जाता है, बुके के रूप में किया जाता है? तो उस स्पॉन्ज का बेटा नाम है यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला बेटा क्या है बताइए, यू प्लेक्टेला बेटा क्या है? वीनस फ्लावर बॉस्केट। जब कहीं पर शादी होती है, कोई मैरिज पार्टी होती है या खुशी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, फूलों का गुलदस्ता जंतुओं का दिया जाता है। वो जंतु कौन सा है बेटा? यू प्लेक्टेला है। तो याद रखिएगा, यू प्लेक्टेला को जापान में वीनस फ्लावर बॉस्केट के नाम से दिया जाता है, और इससे वहां पर बुके बना करके प्रेजेंट करते हैं जब खुश होते हैं तो अपने पार्टी वगैरह में। और दूसरा बेटा ये होता है यू स्पॉन्जिया, ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपसे पूछे गए हैं कि बॉथ स्पंज कौन सा होता है और यू और वीनस फ्लावर बॉस्केट कौन सा होता है। इसका उपयोग बेटा क्या करते हैं, नहाने के लिए जापान के लोग इसको रगड़ रगड़ करके, शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या झामा की तरह होता है, ये मैल को हटा देता है। तो इसको बेटा क्या कह देते हैं, इसको बेटा क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। तो बाथ स्पंज बेटा जो होता है वो क्या होता है आपका, यू स्पॉन्जिया होता है, और आप ध्यान रखेंगे वीनस फ्लावर बास्केट बेटा क्या होता है, यू प्लेक्टेला होता है। वीनस फ्लावर बास्केट का उपयोग जो है वो गुलदस्ते के रूप में किया जाता है, और बाथ स्पंज का उपयोग बेटा नहाने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इस एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूं आपको, नीट वगैरह और पीएचडी में नहीं बता रहा हूं आपको, हम लोग तो ऐसे बर्तन साफ करने के लिए रखते हैं बेटा, यहां नहीं मिलेगा ये। वो बर्तन साफ करते हो यहां तो क्या होता है, वो जो ज्वालामुखी से निकलते जो फ्यूम्योल्स जो होते हैं, फ्यूम्योल्स ज्वालामुखी से निकले हुए जो फ्यूम्योल्स होते हैं वो बेटा होते हैं, वो जो बर्तन जो मिट्टी के बर्तन के जो दुकान होती है बेटा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो भी इसको बना लेते हैं, तो वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है, ये एनिमल है, ये आपको मिलेगा ही नहीं, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये जापान से लाना पड़ेगा आपको। सीलेंट्रेटा द सीलोन, इसके बेटा बेटा क्या होते हैं, ये इसका जो बेटा जीव होता है एक सिलेंडर की तरह होता है, सिलेंडर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, सीलोन होता है इसमें एक, इसका बेटा सिलेंडर की तरह होता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रा के बारे में, तो इसका शरीर बेटा कैसा होता है, सिलेंडर उसकी तरह होता है, सिलेंडर की तरह होता है। ये भी बेटा क्या होते हैं, ये भी पानी में पाए जाते हैं, और इसकी बेटा खासियत क्या है, इसके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा तो एक तो हाइड्रा हो गया, बाथ स्पॉन्ज में छेद क्यों होते हैं मास्टर जी, आप हमको समझाओ ना बेटा, बेटा हर चीज हम नहीं समझाते आपको, है ना, हर चीज हम आपको नहीं समझा सकते। दूसरी ध्यान रखिएगा यहां पे बेटा, जेली फिश, एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है, तो यार जेली फिश मछली नहीं है, क्या है ये सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है, जेली फिश जो बेटा होता है वो मछली नहीं है। ये बेटा जो छिद्र होते हैं इसके द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करता है, इसलिए इसमें छिद्र होते हैं। जैसे आप में मुंह है, आप खाना खाते हो, तो छिद्र मुंह क्यों है, खाना खाने के लिए, ऐसे इनमें क्या है, इसमें भी छिद्र होते हैं, बिल्कुल सही कहा, रिस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, और इंजेशन के लिए, और साथ में रिप्रोडक्शन के लिए, स्पर्म वगैरह जो आएंगे उसके जो ओवम जो आएंगे वो इसी के रास्ते से आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ध्यान रखिए जेली फिश बेटा मछली नहीं है, याद रखिएगा, आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जेली फिश बेटा क्या होती है, जेली फिश मछली नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जेली फिश मछली नहीं है, क्या है ये सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है, किसका है, सीलेंट्रेटा संघ का जंतु है। और मूंगा, जो हम लोग मूंगा पहनते हैं, याद
पर्ल जो होता है, कोरल, ये कोरल बेटा जो होता है वो किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मूंगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये एक जंतु के से प्राप्त होता है। मैंने यहां पे देखी, ये इसमें देखिए मूंगा रखे हुई है। ये इस एनिमल को जब मार देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसकी खाल को निकाल देते हैं, तो बेटा यहां से मूंगा निकलता है। तो मूंगा किस जंतु से प्राप्त किया जाता है या किस संघ के जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो बेटा क्या बताओगे? मूंगा जो बेटा होता है वो सिलेंड्रेटा संघ के जंतु से प्राप्त किया जाता है। और ये किसका बना होता है? तो ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हाँ बेटा, सिलेंट्रॉन कैविटी इसमें होती है, बिल्कुल सही कहा यहाँ पे। तो बेटा मूंगा यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगा किस चीज का बना होता है। तो जो बेटा कोरल जो होता है वो आपका, सॉरी पर्ल जो होता है, पर्ल, वो पर्ल बेटा किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। और बेटा सी एनीमोन भी यहां पे इसी की एग्जाम्पल है। तो अगर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो समुद्री पंखा, सी फैन, समुद्री कलम, सी पेन, मूंगा, हाइड्रा, ये सब बेटा किस संघ के जंतु हैं? सीलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। सब सीलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सीलेंट्रेटा एक ऐसा जीव है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी कि रीजनरेशन होता है। अगर मान लीजिए कि एक हाइड्रा, मान लीजिए एक हाइड्रा बेटा क्या हो गया है, एक हाइड्रा मान लीजिए कहीं से टूट जाए, कट जाए, तो ये मान लो कट के गिर गया है, तो इससे एक नया हाइड्रा क्या होगा, बन के तैयार हो जाता है। तो सीलेंट्रेटा में या हाइड्रा में बेटा क्या होता है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस जंतु में रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता यानी कि वहां से कटने के बाद दोबारा वहां से क्या हो जाता है, एक नया जीव निकल आता है, उसको बेटा कहा जाता है पुनरुद्भवन की क्षमता। तो सीलेंट्रेटा में बेटा क्या होता है कि हाइड्रा में रीजनरेशन की पावर होती है, यानी कि वो क्या होता है कि अपने आप क्या करता है, कहीं पे टूट गया या कहीं पे चोट लग गई तो क्या होगा, वो एक तरह से दोबारा अपने आप को वो डेवलप कर लेता है और नए जीव का विकास कर लेता है। और ये जो बेटा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये बेटा आपका जेली फिश का है। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ये बेटा जेली फिश है, ये मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा। टेल ऑफ लिजर्ड में बेटा जो जनरेशन होती है वो दो तरह से होती है, वो हम जो अलग पढ़ा देंगे आपको। सर मूंगा, सर मूंगा मोलस्का के अंदर होना चाहिए क्योंकि जितने भी चीज खोल में बंद होते हैं आर्थोपोडा के अंदर रखे गए हैं। मूंगा, बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है पर्ल, एक होता है कोरल, है ना? तो पर्ल जो होगा बेटा वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मोलस्का में मिलेगा, लेकिन जो कोरल होगा बेटा वो आपका मिलेगा सिलेंट्रेटा में, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये कोरल जो बेटा होगा वो आपका मिलेगा सिलेंट्रेटा में, और जो पर्ल होगा बेटा वो आपका मिलेगा आर्थोपोडा में मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ध्यान रखिए बेटा प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज का मतलब बेटा होता है कि इनका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होता है। मूंगा पर कैल्शियम की परत होती है सिलेंटेटा। हाँ बेटा बिल्कुल, मूंगा में। तो बेटा कोरल और पर्ल इसमें थोड़ा सा अंतर रखिएगा। कोरल बेटा होता है मूंगा, ये आपको मिलेगा सीलेंट्रेटा से, ध्यान रखिएगा, ये आपको सीलेंट्रेटा से मिलता है। और पर्ल बेटा जो होता है वो आपको कहां से मिलता है,
वो मोलस्का से मिलता है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया है, उसको ये ध्यान रखिएगा। यहां पे प्लेटीहेलमिंथी बेटा होता है, ये पहला ऐसा जीव है जिसमें इसका जो बॉडी लेयर होती है वो तीन लेयर की बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। त्रिस्तरीय गुहा की हम बात करेंगे तो इसमें बनने की शुरुआत होती है, इसमें मेसोडर्म बेटा नहीं होता है, एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, इसमें मेसोडर्म का विकास नहीं होता। ये आपसे नहीं पूछेगा तो भूल जाइएगा, इसके आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है कि ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल, ये क्या हैं? तो याद रखिएगा, प्लेटीहेलमिंथीज के जो जंतु होते हैं उनका जो उत्सर्जन अंग होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं फ्लेम सेल, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। ये यूपीएससी में पूछा गया है। कंफ्यूजिंग है दोनों में सर, अब क्लियर है सर? ओके ओके, थैंक यू। तो ये बेटा एकदम क्लियर कर लीजिए, मूंगा बेटा सिलेंट्रेटा का हो जाएगा और पर्ल बेटा मोलस्का में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ज्वाला कोशिका बेटा जो होती है फ्लेम सेल, ये क्या है? ये प्लेटीहेलमिंथीज के जैसे हम लोगों में क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे ही इनमें क्या होते हैं, फ्लेम सेल होते हैं, याद रखिएगा। तो एग्जाम में कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि फ्लेम सेल किसका उत्सर्जी अंग है, तो याद रखिएगा, फ्लेम सेल बेटा जो होता है वो प्लेटीहेलमिंथीज के उत्सर्जी अंग होते हैं, यानी कि यहां से ये यूरिन का सिक्रीशन करते हैं, यहां से क्या करते हैं बेटा, यूरिन का सिक्रीशन करते हैं। तो बेटा लाइक और शेयर थोड़ा करते रहे आप लोग। इनमें बेटा कंकाल यानी कि स्केलेटन नहीं होता है, श्वसन अंग नहीं होता है और इसमें परिवहन यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें ना तो बाहरी कोई कंकाल होता है, आप देख पा रहे हैं, श्वसन भी नहीं होता है इसमें और परिवहन अंग भी नहीं होते हैं, और ये उभयलिंगी होते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में ही होते हैं। उभयलिंगी मतलब क्या हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में ही होते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं उभयलिंगी। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेटा है वो आप ध्यान रखेंगे, वो आपका ये देखिए, ये प्लेनेरिया है, और प्लेनेरिया की बेटा बहुत खास एक इसका जो है एक करेक्टर है, वो ये है कि इसको जहां से काटोगे वहां से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, जहां से काटोगे वहां से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ये इसकी खासियत है। मान लो कि नीचे से काट दिया तो ये जो आंख वाला पोर्शन है ये आगे से निकल आएगा, बीच वाला काट दिया तब भी ये वाला पोर्शन दोनों तरफ डेवलप हो जाएगा, और अगर आपने यहां से काट दिया है तो नीचे वाला पोर्शन इसका डेवलप हो जाएगा। ये एक अजीब टाइप का प्राणी है, इसको आप ध्यान रखिए, जहां से काटोगे वहां से एक नया, जैसे अगर आप पीछे से काटोगे तब भी ये नया जीव बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा क्या है, समझिएगा, यहां से इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए प्लेनेरिया है, इसको हमने यहां से और यहां से काट दिया, अब यहां से काटेंगे बेटा तो क्या होगा, ये नीचे जाकर के ये पूरा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जो बीच वाला है ये बेटा बीच वाला भी क्या करेगा, एक नया प्लेनेरिया बना लेगा, और जो नीचे वाला बेटा है ये भी क्या करेगा, जाकर के एक नया प्लेनेरिया बना गया। यानी एक प्लेनेरिया को अगर हम दो भागों में काट, तीन भागों में काट देंगे तो आपको तीन प्लेनेरिया मिल जाते हैं, बिल्कुल कलमारी जी, एकदम गजब का है ये, बिल्कुल इस तरह का ये जीव है, इसको जहां से काटोगे बिल्कुल वहां से एक नए प्रकार का मतलब पूरा का पूरा बॉडी बन जाएगी उसकी, ये इसकी खासियत होती है, ये इसकी खासियत है। डोंट शॉक एंजल जी शॉक नहीं होना चाहिए। और दूसरा बेटा होता है जो गाय भैंस, मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को डिजीज, तो वहां बताया था मैंने कि एक होता है टीनिया सोलियम और एक टीनिया सेजिनाटा, तो जो लोग पौर खाते हैं उनके पेट में ये टीनिया सोलियम चला जाता है, और जो लोग खाते हैं गाय वगैरह का या भैंस का
अथपका मांस, उनमें टीनिया सेजिनाटा चला जाता है, तो ये जो बेटा होता है फीता कृमि ये रोग उत्पन्न करता है। लेकिन सर काटने के बाद इसका कोशिकीय विकास नहीं होता है। सर बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जितना जितना पोर्शन रहेगा केवल उतना बड़ा ही वो बनेगा, ये इतना छोटा बनेगा, ये नहीं कि पूरा बड़ा बन जाएगा, उसमें जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा। मान लो कि इतना बड़ा था ये और हमने इसको यहां से काटा है, तो अब ये क्या छोटा ही बनेगा, जितनी कोशिकाएं यहां पर होंगी उतनी कोशिकाओं से ही उसका निर्माण होगा, बाकी कोशिकाएं नहीं बनेंगी, तो ये छोटा बनेगा, ये कह रहे थे। इसके बाद ये सही है, आप लोगों को तो ज्यादा नॉलेज है। तो ये फीता कृमि ध्यान रखिएगा, इन सबको बेटा क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म या टेप वर्म कहते हैं। तो प्लेट वर्म, फ्लैट वर्म और टेप वर्म बेटा किस संघ में आएंगे, तो प्लेट वर्म और टेप वर्म बेटा आते हैं सर, ये खुद रिप्रोड्यूस ही तो करता होगा। हाँ बिल्कुल खुद ही करता है सर, ये मरता नहीं बेटा कभी नहीं, कैसे मरेगा ये, जब काट के कटेगा फिर रावण है, 10 सर इसके हैं। तो फ्लैट वर्म बेटा और टेप वर्म, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्लेटी हेलमेंथीस संघ के जंतुओं में आते हैं। कहां आते हैं, प्लेटी हेलमेंथीस के जंतुओं में आते हैं। अगला इसी से जुड़ा हुआ बेटा एक फाइलम और है, एसके हेलमेंथीस। इसमें बेटा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्लेटी हेलमेंथीस और एसके हेलमेंथीस में हम अंतर कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए बेटा, फ्लैट वर्म और टेप वर्म ये दोनों आते हैं बेटा प्लेटी हेलमेंथीज में, और जो राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म बेटा जो होते हैं ये एसके हेलमेंथीज में आते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को एक साथ बेटा नीमेटोडा कह दिया जाता है, क्या कहता है, नीमेटोडा। तो अगर आपसे कहा जाए कि नीमेटोडा क्या होता है, तो नीमेटोडा में बेटा दोनों को रखा गया है, फ्लैट वर्म, टेप वर्म और राउंड वर्म, इन तीनों को नीमेटोडा में रखा गया है। सर ये भी मरता है, अब मरता होगा नहीं मरता होगा है ना, इसके पास क्षमता है, मरेगा अमीबा के बाद, तो बाकी सब मरेंगे, अमीबा के बाद बाकी सब मरेंगे। और आप लोग थोड़ा सा एनर्जी बनाए रखिए। तो बेटा इसमें देखिएगा कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसके हेलमेंथीस के बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जिस प्रकार से वहां पर बेटा उत्सर्जी पदार्थ क्या था, प्रोटीनेफ्रिडिया था, वहां पे क्या था, फ्लेम सेल था, यहां बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। इसके एग्जाम्पल बेटा क्या होंगे, एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस लंबी क्रोइडिस। एस्कैरिस बेटा दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। प्लेटी हेलमेंथीज के जंतु बेटा क्या होते हैं, इसमें मेल फीमेल एक में ही होते हैं, लेकिन आप एसके हेलमेंथ बेटा क्या होगा, मेल और फीमेल बेटा अलग होते हैं। जो बेटा मेल स्कैरिस होता है, मेल स्कैरिस वो छोटा होता है और किनारे पे पॉइंटेड होता है, और जो फीमेल स्कैरिस होती है बेटा वो बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं। आप देख के बता पाओगे कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। तो स्कैरिस को बेटा आप देख के जान पाओगे, ये दोनों हमारी आंतों में पाए जाते हैं, और जो हम गंदा भोजन करते हैं तो ये इनके जो अंडे हैं हमारे साथ चले जाते हैं। बाउचेरिया देखिए, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिससे फाइलेरिया रोग होता है, हाथी पांव, ये भी बेटा क्या है आपका, एसके हेलमेंथीज का जंतु है। इंट्रोबियस पिनवर्म, जिसको हम चुन्ना कहते हैं, बच्चों के एनल में खुजली जो होती है, तो बच्चों के गुदा में जो खुजली होती है वो किसकी वजह से होती है, बच्चों की काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उनको उल्टियां होती हैं, तो ये बेटा पिनवर्म की वजह से होती हैं। सर दीपास मन मित्र क्या होता है, सोने कहां पे लिखा है, अच्छा द्विपार सम्मिति ये पूछ रहे बेटा, ये बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल होता है, ये बाई लेटरल सिमेट्री होते हैं, बाई लेटरल सिमेट्री मतलब इनको आप क्या करोगे, दो
जगह से कहीं से भी काटोगे ये इक्वल हाफ मिलेंगे आपको। दो कहीं से भी काटोगे बेटा आपको कहां मिलेंगे, ये इक्वल हाफ मिलेंगे। तो बेटा इसको आप लोग लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा सा करते जाइएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए बेटा, ये आप मैंने जो बताया था आपको बेटा, ये स्कैरिस है, ये देखिए ये मेल स्कैरिस है, ये फीमेल है, ये मेल है। मेल में देखिए एकदम लास्ट में क्या है, ये थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ होता है, एकदम हुक के लाइक का होता है, ये हुक के लाइक का होता है। ये स्कैरिस बेटा मेल है, ये फीमेल है, सॉरी ये बड़ा वाला फीमेल है और ये छोटा वाला क्या है बेटा, मेल है। मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती हैं। और जब मेल होते हैं वो जब लास्ट में इनमें हुक टाइप का होता है, उनको बेटा हुक टाइप में होता है। और ये बेटा देखिए, ये भी आपका क्या है, स्कैरिस है। ये देखिए बच्चे के एनस बेटा चुन्ने जो होते हैं, इस तरह से उनके एनस में चुन्ने होते हैं, ये यहाँ पे खुजली करते रहते हैं, ये दिक्कत करता है, ये बहुत खतरनाक होता है। बच्चे हमेशा रोते रहते हैं और इनको काटता रहता है, बड़ी हालत खराब हो जाती है। और ये इनका डायग्राम, इनका जो है वो फोटो लिया गया है, तो इस टाइप से इसका आएगा, जो माइक्रोस्कोप से, ये कैमरे से लिया गया है, ये इसको माइक्रोस्कोप लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चुन्ने बहुत खतरनाक होते हैं, लैट्रीन के साथ बाहर निकलेंगे जिन बच्चों में होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ा लाइक्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ये बड़ा बहुत ही अच्छा है एनेलिडा। यहां पर हम लोग केचुए के बारे में बहुत सा जानकारी आपको बताएंगे जो आपको पहले शायद नहीं होगी, तो आप लोग एकदम से तैयार बैठिए और हम लोग केचुए पे आते हैं। एनेलिडा जिनका शरीर खंड युक्त बेटा होता है, पूरे शरीर में क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, जिनके शरीर बेटा खंड युक्त होते हैं उनको कहा जाता है एनेलिडा। कई खंड पाए, इस तरह से क्या होगा बेटा, इनका शरीर पूरा खंडों में बटा होगा, पूरा खंडों में बटा होगा। तो जिनका शरीर बहुत सारे खंडों में बटा होगा उनको क्या कहा जाएगा बेटा, एनेलिडा कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इनमें चलने के लिए जो पैर होते हैं उनको हम लोग सीटी कहते हैं, याद रखिएगा, चलने के लिए जो पैर होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, सीटी। एग्जैक्टली पैर नहीं होते हैं, ये काइटिन के बने हुए संरचना होती है, इसको हम लोग सीटी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए केचुआ चलता किस चीज से है, तो आप क्या कहेंगे, सीटी चलता है। और बिल्कुल सही कहा है प्रियंका जी ने, ये जो सेगमेंट होते हैं इनको सेप्टा कहा जाता है, सेप्टा जो इनको अलग करते हैं, ये अलग अलग जो सेगमेंट को अलग करने वाले जो हैं ये सेप्टा कहलाते हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। काइटिन के बने होते हैं, सीटी कहलाते हैं। और इनकी जो त्वचा होती है उसमें क्या होता है, इनका जो रक्त बेटा होता है, इनका रक्त जो बेटा लाल होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है। तो पहला ऐसा जंतु है जिसका खून तो बेटा लाल है लेकिन आरबीसी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के लिए बेटा। जो केचुआ होता है या जो अर्थवर्म के जंतु होते हैं, खास करके अर्थवर्म केचुआ, ये ऐसा जंतु है जिसमें खून तो लाल होता है लेकिन इसका जो इसमें आरबीसी नहीं होता है। तो अगर आरबीसी नहीं है और खून लाल है तो यानी कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी न होने के कारण हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। तो किस जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, याद रखिएगा, किस जंतु में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, तो उसका आंसर बेटा हम लोग क्या देंगे, उसका आंसर देंगे हम लोग केचुए में आरबीसी नहीं होता है, खून लाल होता है और ये जो होता है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। दूसरी चीज बेटा, जो केचुआ होता है इसमें एक जो होता है वो में इसमें आंख नहीं होती है, पहली चीज। अगली चीज, एक भी आंख नहीं होती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि केचुए में कितनी आंख होती है, तो आप कहोगे केचुए में आंख नहीं होती है। अगली चीज, केचुआ जो बेटा होता है इसमें बंद रक्त संचरण होता है, बंद रक्त संचरण यानी कि क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है।
यानी कि इसमें जो रक्त है बेटा वो धमनी और सिराओं में बहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा जो आपका जो रक्त है वो धमनी और सिराओं में पाया जाता है, इसलिए इसमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे हम लोगों में होता है ऐसे इसमें भी बेटा क्या होता है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। और इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, नर्व रिंग्स पाई जाती हैं। अगली चीज इसमें ये बेटा क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल एक में ही पाए जाते हैं, इसमें मेल और फीमेल एक में ही पाए जाते हैं, यानी कि कुछ सेगमेंट होंगे जिसमें मेल वाला पोर पाया जाएगा और कुछ सेगमेंट होंगे जिसमें फीमेल वाला पोर पाया जाएगा। तो ये हर्माफ्रोडाइट का मतलब बेटा होता है द्विलिंग, बाइसेक्सुअल, द्विलिंग यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही पाए जाते हैं। लेकिन एक में ही पाए जाने के बाद भी इसमें जो आपका निषेचन होता है, यानी कि जो आपका इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, वो बेटा बाह्य होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है, सॉरी इसमें जो निषेचन होगा वो अलग अलग, एक केचुआ और दूसरे केचुआ जब आपस में मिलेगा तभी निषेचन होगा। एक में ही सेक्स होने के बाद भी ये खुद सेक्स नहीं करते हैं, दूसरे केचुए का सहारा लेना होगा। जोंक और केचुए में क्या अंतर होता है बेटा, बेटा जोंक केचुआ जो बेटा होगा, यहां पे आप देखिए कहां चला गया, ये देखिए बेटा केचुआ जो होता है ये सेगमेंटेड होता है, लंबा होता है। जोंक में उस प्रकार के सेगमेंट नहीं होते हैं, ये मिट्टी को खाता है, ये खून को चूसता है, सैंगिवोरस होता है, ये जमीन के अंदर पाया जाता है, ये पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों क्या है बेटा, वो सेम होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का बेटा क्या होता है, सेम होता है, दोनों एक ही संघ में आते हैं। इसकी बेटा एक खासियत और है जोंक की, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, जोंक बेटा जब क्या करेगा, किसी जीव को में चिपकेगा और वहां से ब्लड सक करना शुरू करेगा। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई चीज कटती है तो ब्लड हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड क्लॉट शुरू कर देती है और वहां से उसको क्लॉटिंग कर देगा, तो इसको फिर खून मिलेगा नहीं। तो इसके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया है, और वो केमिकल क्या करता है, खून को जमने से रोक देता है। और उसी केमिकल के नाम पर इसका वैज्ञानिक नाम पड़ा है। तो उस केमिकल का नाम बेटा ध्यान रखिएगा कि जोंक से एक केमिकल निकलता है, हेरुडिन, याद रखिएगा, हेरुडिन नामक एक केमिकल निकलता है जो खून को जमने से रोकने वाला एक नेचुरल एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जो केचुए से निकलता है, और इसी केमिकल के नाम पर इसका नाम हिरुडिनेरिया रख दिया गया है। इसी का नाम बेटा हिरुडिनेरिया क्यों रखा गया है, क्योंकि इससे एक केमिकल निकलता है जो खून को जमने से रोक देता है। मान लो कोई भैंस पानी में गई और वहां पे लग गया, अब वो भैंस जो खून जमाने की कोशिश करेगी, ये केमिकल निकाल देगा और भैंस का खून नहीं जमेगा, और ये क्या करेगा, उसका खून चूसता रहेगा। तो खून को जमाने से बेटा कौन रोकता है, हिरुडिन नामक केमिकल, हिरुडिन नामक केमिकल बेटा क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। तो बेटा आप लोग इसको लाइक करते रहिए, बहुत लाइक्स कम आ रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करिए और शेयर करिए, थोड़ा सा लाइक करिए और शेयर करिए, थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर बेटा करते रहिए, जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी और मिले। 150 पूरा करिए इसको अभी आप लोग। और बेटा केचुआ जो होता है बेटा, इसमें जो हृदय होता है वो 4 pair heart होते हैं, यहां 4 जोड़ी हृदय होता है, ये भी याद रखिएगा, केचुए बेटा 4 जोड़ी हृदय होते हैं,
फोर पेयर हर्ट होता है, चार ए चार पेयर जो बेटा, फोर पेयर, चार ऊपर होते हैं लेटरल साइड में और चार बेटा होते हैं डॉर्सल साइड में। केचुए को सीटा भी कहते हैं ना सर, इसमें सीटी होती है चलने के लिए। तो बेटा ध्यान रखिएगा, केचुआ जो बेटा आपका होता है, लाइक और शेयर बेटा थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, लाइक और शेयर बढ़ाइए। तो यस को ध्यान रखिए बेटा, तो केचुए में आंख नहीं होती है, केचुआ सीटी से चलता है, केचुए में आरबीसी नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है, केचुए में हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि केचुआ में उभयलिंगी होता है, केचुए में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, केचुए में, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं और मिट्टी में क्या करते हैं, छिद्र कर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई खेतों को होती है, इसलिए इसको। और एक ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का थोड़ा सा उसमें एड भी देखा होगा, जो बेटा रेड अर्थवर्म होते हैं, लाल केचुए जो होते हैं, उनसे बेटा क्या होता है, उनसे एक खाद बनाई जाती है, उस खाद का क्या नाम है कौन बताएगा? केचुए से जो खाद बनती है उसका नाम बेटा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट किससे बनाए जाते हैं? तो घरों में बेटा जो सब्जियों के छिलके या घरों के जो ऑर्गेनिक चीजें जो निकलती हैं, जो सड़ गल जाती हैं, उनको क्या करते हैं, गमले में एक बड़े बर्तन में भर देते हैं और उसमें लाल केचुए डाल देते हैं। वे लाल केचुए क्या करते हैं, उनको खा करके सड़ा करके कंपोस्ट बना देते हैं, खाद बना देते हैं, जैविक खाद बना देते हैं और बहुत ही उर्वरक होते हैं वो। तो लाल केचुए से बेटा क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। 150 पूरे कर दीजिए, चार लोग और लाइक करिए, 150 हो जाए, अभी 146 पे हैं हम लोग, और इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो केचुआ बेटा जोड़ी, केचुए बेटा आठ जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, यानी कि इसमें जो बेटा हीमोग्लोबिन होती है लेकिन आरबीसी नहीं होती है। अब अगर एग्जाम में केचुए में कितने खंड होते हैं, मान लो वन वर्ड वाला क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, केचुए में एक सामान्य केचुए बेटा 120 खंड होते हैं, ध्यान रखिएगा 120 खंड होते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो उत्सर्जी अंग बेटा होता है, ये अपना उत्सर्जन किससे करता है, तो उसका बेटा नाम है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया ये उत्सर्जन किससे करता है, नेफ्रिडिया से ये उत्सर्जन करता है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत स्नेह और प्यार आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और कल का टॉपिक बेटा और मजबूत है, कल हम लोग पक्षी से लेकर, सॉरी मछली से लेकर के कितनी टाइप की मछलियां होती हैं, वहां से लेकर के, और स्तनधारी कितने प्रकार के होते हैं, रेप्टाइल क्या होते हैं, पक्षी कितने प्रकार के होते हैं, मैमल कितने प्रकार के होते हैं, कल और इंटरेस्टिंग होगा। आज का तो ये बोरिंग था, ये ज्यादा बच्चों को याद नहीं होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन कल वाला बेटा जो क्लास होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद देखिए बेटा आर्थोपोडा, आर्थोपोडा बेटा आर्थो का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, समझिएगा, अगर आप अर्थ निकाल लेंगे यहां से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आर्थो का मतलब बेटा होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट, और पोडा का मतलब बेटा होता है लेग्स, पैर, यानी ऐसे जंतु जिनके जिनके पैर जुड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब ज्वाइंट का मतलब क्या है, इसको समझिएगा, हम लोगों के जैसे मान लो कि बेटा ये क्या है, ये है, यहां से ये ज्वाइंट हो गया, फिर यहां से ज्वाइंट हो गया, ये तो ये जो बेटा ज्वाइंट होते हैं, ये यहां से एक ज्वाइंट, फिर ये दूसरा ज्वाइंट, ये जो होता है इसको बेटा क्या कहते हैं, आर्थोपोडा के जंतु कहेंगे। तो जिन जंतुओं के
पैर ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आर्थोपोडा कहते हैं। दूसरी चीज बेटा, इनका शरीर बेटा जो होता है तीन भागों में बटा होता है। एक सर होता है और एक बेटा इनमें क्या होता है, वक्ष होता है, और बाकी इसमें बेटा क्या होगा, उदर गुहा होती है, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये तीन में इनका शरीर बेटा बटा होता है। अर्थवर्म का शरीर तीन खंडों में बटा होता है, हेड, वक्ष और उदर गुहा में इनका शरीर बटा होता है। और तीसरी चीज ध्यान रखनी है, इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, वो खुला होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, खुला रक्त परिसंचरण होता है। इसमें बेटा खुला रक्त परिसंचरण होता है। कैसा बेटा होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है, इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन बेटा होता है, खुला रक्त परिसंचरण होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज, इनका जो बेटा खून होता है वो कैसा होता है, उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोसाइनिन, यानी कि इनका खून जो बेटा होगा वो भूरा होगा। खून कैसा होगा इनका? भूरा होगा, यानी कि बेटा हीमोसाइनिन, ध्यान रखिएगा, इनका हीमोसाइनिन, जैसे हीमोग्लोबिन बेटा लोहा पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ऐसे बेटा हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। और तीसरी चीज, आर्थोपोडा बेटा जो है वो सबसे बड़ा, आर्थोपोडा बेटा जो है सबसे बड़ा संघ है, जंतुओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थोपोडा है। अभी आपने देखा था टिड्डी दल आया था, टिड्डी दल, तो वो टिड्डी बेटा किसमें आते हैं? ये भी आर्थोपोडा में आते हैं, करोड़ों की संख्या में एक साथ चलते हैं। सिमेट्रिकल बेटा मतलब होता है कि उनको प्लेन, अगर उनको हम क्या करेंगे, किस प्लेन से उनको हम काट सकते हैं, जैसे रेडियल सिमेट्री होते हैं, लेटरल सिमेट्री होते हैं, ए सिमेट्रिकल होते हैं, जिनको हम कहीं से भी काटें इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। रेडियल मतलब कहीं से भी काटे उनको इक्वल हाफ मिलेगा। बाइलेटरल मतलब अगर हम उनको काटते हैं तो दो इक्वल हाफ मिलते हैं, तो बेटा उसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। युवराज जी, हाँ बेटा, तो मैं बस क्लास को यहीं पर थोड़ा सा इसको, ये आर्थोपोडा के बाद हम लोग इसको बाइंड अप कर देंगे। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बेटा जो होता है वो हीमोसील पाया जाता है, इसकी जो ये कैविटी होती है बेटा, जो गुहा होती है, उसको हीमोसील कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं बेटा? हीमोसील कहा जाता है। और ये सांस किससे लेते हैं? तो इसके बेटा सांस लेने के लिए आर्थोपोडा या इंसेक्ट में क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और मैलपीघियन ट्यूब्यूल होता है, मैलपीघियन, मैलपीघियन ट्यूब्यूल। याद रखिएगा कि आर्थोपोडा के जंतु जो होते हैं वो सांस, वो किससे सांस लेते हैं? तो वो बुक लंग्स हो जाएगा। और उत्सर्जन किससे करते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? तो आर्थोपोडा के जंतुओं का बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल होता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल होता है। और सांस किससे लेते हैं? तो वो बुक लंग से लेते हैं। और ट्रेकीट्स भी होता है, ट्रेकीट्स भी होता है, ट्रेकीट्स भी होता है, और बुक लंग्स भी होता है। तो ये किताब की, खुली किताब की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं बेटा? बुक लंग्स कह देते हैं। इसके एग्जाम्पल बेटा कौन कौन से आ जाएंगे? तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सब बेटा किसमें आ जाते हैं? सर अब इंसेक्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। हाँ बेटा, आगे आगे वाला स्लाइड है, उस पर आपका प्रश्न जो है वो आंसर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा जो चींटी होती है वो एक सामाजिक जंतु है, जिसमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है, श्रम विभाजन देखा जाता है चींटियों में।
चींटियों बेटा क्या होती है कि वर्कर्स अलग होती हैं, अलग अलग काम के लिए उसमें अलग अलग होते हैं। और बेटा कॉकरोच जो होता है उसमें उसके हृदय में 13 चैम्बर होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है कि किस एनिमल में 13 चैम्बर होते हैं। तो ध्यान रखेगा बेटा कि कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। और जो बेटा दीमक होता है टर्माइट, ये भी एक सामाजिक प्राणी है और ये अपनी कॉलोनी बना के रखता है। इसमें एक रानी होती है, सैकड़ों इसमें क्या होते हैं जो आपके नर होते हैं जिसको हम लोग द्रोण कहते हैं, और लाखों में इसमें क्या होते हैं वर्कर्स होते हैं। तो ये वर्कर नर और रानी इन सब से मिल करके क्या बनता है बेटा, दीमक बनता है। इस पे हम लोग अलग क्लास लेकर के आएंगे। हाँ बेटा चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। देखिए आर्थ्रोपोडा को उनके पैरों की संख्या के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, इसको पढ़ा करके हम इसको आज वाइंड अप कर देंगे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से इसको जरूर पढ़ लें क्योंकि यहां से उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिनको दिक्कत थी। आर्थ्रोपोडा को कीटों की संख्या के आधार पे बेटा 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि मकड़ी क्या है, बिच्छू क्या है, वो कीट में और उनमें दिक्कत कर देते हैं। तो जिन जंतुओं में बेटा 3 जोड़ी, जिन आर्थ्रोपोडा में, सर कॉकरोच में किसका परिचंतंत्र बेटा इसमें खुला होता है, खुला होता है। तो जिन आर्थ्रोपोडा में बेटा 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिन आर्थ्रोपोडा में बेटा 3 जोड़ी पैर होते हैं उनको हम लोग कीट कहते हैं, इंसेक्ट कहेंगे। तो आज से ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट का मतलब बेटा वही होगा जिनमें 3 जोड़ी पैर होंगे, जैसे मच्छर हो गया, बीटल हो गया, आपका ये मधुमक्खी हो गई, आपकी आप ये बटरफ्लाई तितली हो गई, आपका टिड्डा हो गया, आपका सिल्वर फिश हो गया। ध्यान दीजिए सिल्वर फिश, देखिए नाम है इसका सिल्वर फिश लेकिन ये मछली नहीं है। हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, आपको बताएंगे वहां पर कौन कौन सी मछली नहीं है। तो जिन जंतुओं में बेटा 3 जोड़ी पैर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। ये हो गया मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, बी हो गया, आपका कॉकरोच हो गया, बीटल हो गए, ये आपका तितली हो गई, आपके ग्रास हॉपर हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ये सब बेटा क्या होते हैं, कीट कहलाते हैं। और जिन जंतुओं में बेटा 4 जोड़ी पैर होते हैं, जिन जंतुओं में बेटा 4 जोड़ी पैर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एरेक्निडा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेक्निडा में 4 जोड़ी पैर होते हैं। व्हाट इज ओपन ब्लड सर्कुलेशन, बेटा ओपन का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेन्स और आर्टरीज में प्रॉपर हो, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड। और जिसमें क्या होता है ब्लड जो बेटा सीलोम में बहता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो मिक्स रहते हैं, वो अलग अलग नहीं बहते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ओपन कह देते हैं। ये अंतर होता है बेटा युवराज जी। तो बेटा अरेक्निडा जो बेटा होता है उसमें 4 जोड़ी पैर होते हैं, जैसे बिच्छू, तो बिच्छू बेटा कीट नहीं है, वो क्या है, एरेक्निडा है, 4 जोड़ी पैर होते हैं। मकड़ी, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मकड़ी क्या है, कीट है या नहीं है, यूपीएससी भी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मकड़ी बेटा कीट नहीं है, ध्यान रखिएगा, मकड़ी स्पाइडर इज नॉट इंसेक्ट, मकड़ी बेटा आर्थ्रोपोडा तो है लेकिन 4 जोड़ी है, गिन लीजिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 जोड़ी पैर हैं। तो इसको बेटा क्या, यहां देखिए 1 2 3 और 4 जोड़ी पैर हैं, तो इसको हम मकड़ी को बेटा कीट में नहीं रखेंगे, इसको हम कहां रखेंगे, और जो टिक्स होते हैं, जो घुन होते हैं, और जो बेटा चीचड़ होते हैं जो गाय भैंस के लगते हैं, घुन और चीचड़ भी बेटा क्या है, इनमें भी 4 जोड़ी पैर होते हैं। टिक्स और माइट्स बेटा भी होते हैं, ये भी क्या है, इनमें 4 जोड़ी पैर होते हैं, ये भी बेटा क्या होते हैं, ये भी एरेक्निडा में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिनमें बेटा 5 जोड़ी पैर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रस्टेशियन, ये ध्यान रखिएगा, 5 जोड़ी जो पैर हो, हाउ मेनी टीथ फाउंड इन मॉस्किटो, बेटा
मॉस्किटो में टीथ नहीं होते हैं, प्रोबोसिस होते हैं, प्रोबोसिस होते हैं, जिससे वो आरी की तरह होता है जो उसमें धसाते हैं, उनकी संख्या लगभग 47 होती है बेटा। उसको हम टीथ नहीं कह सकते, उसको हम लोग प्रोबोसिस कहते हैं युवराज जी, उसको हम लोग प्रोबोसिस कहेंगे, उसको हम टीथ नहीं कहेंगे। और अगर हम उसको गिनेंगे तो 47 के आसपास आ जाते हैं। तो जानकारी के लिए अगर आप ऐसे कह सकते हो कि 47 दांत होते हैं मच्छर में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोबोसिस हैं, आरी की तरह होते हैं वो दांत, मतलब जैसे हम लोग के दांत हैं उस तरह के दांत उसमें नहीं होते हैं। तो क्रस्टेशिया बेटा जो होता है, इसमें 5 जोड़ी पैर होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे आपका केकड़ा बेटा होता है, केकड़ा, झींगा मछली, क्रेफिश, ये सब जो खाने वाले होते हैं, समुद्री जो भोजन होते हैं, मैटिस श्रिम्प, ये सब बेटा जो होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब 5 जोड़ी वाले होते हैं। केकड़े में आप गिनेंगे तो 5 जोड़ी पैर मिलेंगे, क्रेफिश में आपको 5 जोड़ी पैर मिलेंगे, झींगा मछली में बेटा 5 जोड़ी पैर होते हैं, और 5 होते हैं चलने वाले और 5 होते हैं इसमें तैरने वाले। इसकी एक अलग खासियत है, झींगा मछली में 5 जोड़ी होते हैं चलने वाले और 5 होते हैं बेटा तैरने वाले। आगे वाले 5 चलने वाले होते हैं, पीछे वाले 5 जो है तैरने वाले होते हैं। उस बेटा हीमो, उसमें से कौन सा केमिकल सीक्रेट होता है बेटा, वहां के जो लार से निकलता है वो हीमो हीमोसाइन होता है बेटा, हीमोसाइन निकलता है वहां से। तो ध्यान रखिएगा, क्रैब हो गया बेटा, प्रॉन हो गया और क्रेफिश हो गया। इसके बाद आप ध्यान देंगे यहां पर, वो बेटा आपका हो गया मैरीपोडा। मैरीपोडा का मतलब होता है कि उसमें मैनी पेयर हो, बहुत सारे जोड़े हों पैरों के, यानी कि 100-200 पैर हो सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा वहां पे मैनी पेयर होते हैं, लाख हजारों पेयर हो सकते हैं, जैसे सेंटीपीज और बेटा मिलीपीड्स, सेंटीपीज और मिलीपीड, लिल्ली घोड़ी और याद रखिएगा कन खजूरा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये यहां पे डायग्राम से आपको थोड़ा समझा देते हैं, ये देखिएगा यहां पर, यहां पे बेटा क्या है ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका कन, ये हो गया कन खजूरा। इसमें देखिए बहुत सारे पैर हैं, आप इसको गिन नहीं सकते, बहुत सारे पैर होते हैं इसमें, तो जिनमें बहुत सारे पैर होते हैं, ये हो गया आपका कन खजूरा, इसको कहते हैं सेंटीपीड्स। और ये बेटा होता है लिल्ली घोड़ी, मिलीपीड्स, इसमें देखिए बहुत सारे पैर इसमें भी होते हैं, तो ये आपका आ जाता है कि इसमें मैरीपोडा में आ जाता है। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, तो लिल्ली घोड़ी आपने देखा, और क्या देखा आपने, सेंटीपीड देखा। तो ये आपने यहां पे देख लिया, ये आपने देखा कि जो 3 जोड़ी बेटा पैर होंगे वो कीट हो जाएगा, 4 जोड़ी पैर होंगे तो बेटा एरेक्निडा हो जाएगा, 5 जोड़ी पैर होंगे तो क्रस्टेशिया हो जाएगा, और अनेक जोड़ी पैर होंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका, मेरीपोडा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब आपसे कभी गलती नहीं होगी कि कौन सा कीट है या कौन सा कीट नहीं है। सर इनका काम होता है, इधर चलने के काम आते हैं। कन खजूरा को हम लोग सेंटीपीड कहते हैं, और लिल्ली घोड़ी को बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, मिलीपीड्स कह देते हैं। तो ये हो जाता है। तो इसके बाद लास्ट में झींगा बेटा जो होता है, एक पानी में रहने वाला जंतु है जिसको हम लोग खाते हैं, इसको हम लोग प्रॉन भी कहते हैं। प्रॉन सबसे महंगी जो होती है बेटी, इसको हम लोग बेटा इसको हम लोग प्रॉन कहते हैं, और ये भी मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा ये भी मछली नहीं है, ये आर्थोपोडा संघ का जंतु है। एग्जाम में आएगा झींगा मछली मछली है या नहीं है,
या इनमें से कौन सा मछली नहीं है, उसमें एक झींगा मछली रहेगा। तो झींगा मछली बेटा मछली नहीं है। अभी हाल ही में बेटा झींगा की एक प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम आपको याद रखना है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ सकता है, स्ट्रेनासा लेराई। ये एक झींगा की प्रजाति है जिसको अभी खोजा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, करंट जुड़ा हुआ चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि स्ट्रेनासा लेराई झींगा की खोज जो है वो अभी हाल ही में की गई है, ये क्या है, झींगा है, मछली है, अलग अलग नाम से दे देगा। और जो केकड़ा जो बेटा होता है जो खाते हैं लोग, उसका वैज्ञानिक नाम बेटा क्या है, कार्सिनस होता है। इसको मनुष्य के द्वारा भोजन में खाया जाता है, इसका उपचार बेटा औषधि में भी किया जाता है। और जो टिड्डा बेटा होता है ग्रास हॉपर, ये फसल नाशक होता है, ये आपने अभी देखा होगा टिड्डी दल क्या करते हैं कि बहुत फसलों को नष्ट कर देते हैं। बिच्छू बेटा जो होता है उसमें विष ग्रंथियां उसके डंक में होती हैं, और इसके इसके जो केमिकल निकलता है उसका नाम बेटा है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड निकलता है जो हमको जलन करता है, इसको हम लोग मेथनोइक एसिड भी कह देते हैं। तो मेथनोइक एसिड और फार्मिक एसिड बेटा जो निकलता है वो भी बिच्छू के डंक से निकलता है। गोजर जिसको हम लोग सतपातशाली यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन खजूरा कहते हैं, या इसको हम लोग सेंटी मिलीपीड्स कहते हैं, लिल्ली घोड़ी कहते हैं, इसका स्कोलोपेंड्रा नाम होता है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है बेटा, कीट वर्ग है। सभी संघों में सबसे बड़ा बेटा आर्थोपोडा, सभी संघों में सबसे बड़ा आर्थोपोडा, और आर्थोपोडा में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, कीटों की होती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किन जीवों की है, तो आप कहोगे कीट की है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या बेटा किसकी है, तो आप कहोगे कीट की है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या बेटा इंसेक्ट की है, यानी कि कीट की है। इसके बाद आज लास्ट है, हम खत्म ही कर, लास्ट नहीं है तो रह गया अभी मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा बेटा रह गया है। मोलस्का और इकाइन, तो इसको बेटा हम लोग कल पढ़ लेंगे, आज टाइम होने वाला है, हम लोग मोलस्का को और इकाइनोडर्मेटा को पढ़ते हुए कल हम जो शुरू करेंगे बेटा वो कॉर्डेटा शुरू करेंगे। मेन हमारा क्या कल का होगा, कॉर्डेटा का होगा। और इसमें हम लोग मछली के बारे में, उभयचर के बारे में जो पानी जमीन दोनों में रहते हैं उनके बारे में, और रेप्टाइल के बारे में यानी कि सांप वगैरह के बारे में, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में और स्तनधारियों के बारे में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितना इफेक्टिव था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग कमेंट करिएगा, और अच्छे से इसको एक बार फिर से आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा, और जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं वो पूरा पढ़ लेंगे। अगर कोई कमी या कोई आपको सुझाव देना हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर या मेरे व्हाट्सएप लिंक पर आप मुझे सुझाव दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे क्लास को और बेहतर और आपके लिए उपयोगी बनाया जा सके। आपके सुझाव हमेशा हमको स्वीकार हैं और हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा किया जाए। तो ये मेरा देखिए रेफरल कोड है SS01, इसको आप यूज करके एडमिशन ले लीजिए और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी हमसे आप बात कर लीजिए कैसे लेना है एडमिशन आपको। और फास्ट नॉलेज लिंक मेरा बेटा है टेलीग्राम का, इससे आप जुड़ जाएं। हम इस पर अब एक्टिव होने वाले हैं, इस पर मटेरियल, इस पर क्वेश्चन वगैरह हम लोग शुरू करने वाले हैं, और यूपीएससी 2020 के लिए हम लोग इस पर अब काम करेंगे जो 4 अक्टूबर को होने वाला है, करंट अफेयर साइंस टेक का, जनरल साइंस का सारा कुछ हम आप उसमें लोड करेंगे, आपको देंगे। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपका प्रेम, आपका स्नेह हमेशा बना रहे और हम आपको बेहतर नॉलेज देते रहें। कल हम लोग मिलते हैं 9:30 बजे, बिल्कुल सही कहा वेकअप जी, कल सर हम का आप लोग 9:30 बजे आइए और हम लोग नए तरीके से कल नई क्लास को स्टार्ट करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में चीजें मिलें। तो आज हम आपको यहीं पर आपसे विदा लेते हैं बेटा, टाइम बेटा 9:30 बजे होगा, 9:30 AM मॉर्निंग में मीनू जी। तो ये मेरा, इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे आप लोग जुड़ जाइए, ज्यादा लोग और इस पे जुड़ेंगे तो आपको फायदा होगा। तो
यहीं पे मैं क्लास को आज विराम देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 9:30 बजे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, और या तो आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप SS01 कोड को आप यूज कर लें। थैंक यू।